हमारे बीच ब्रह्म विद वरिष्ठा जसविंदर कौर मैम आई हैं। हम सब उनका सह आभार स्वागत करते हैं। मैम के बारे में दो सुंदर बहुत बातें, सुंदर सी बातें। पहली ये कि मैम ने एक बहुत लंबी जर्नी तय करी है पितामह के साथ, और इसी जर्नी को तय करते करते मैम एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक पिलर बन गई है पीएसएसएम की। नॉर्थ इंडिया में उनके मार्गदर्शन में बहुत से कार्यक्रम होते हैं, और जितने भी कार्यक्रम होते हैं सभी में वह एक बैकबोन की तरह होती हैं। वह एक पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में एक माँ का रोल प्ले करती हैं। हम सब उनका साभार स्वागत करते हैं। ब्रह्मविद वरिष्ठा जसविंदर कौर मैम, आपका स्वागत है मैम। वेलकम जैसी मैम, आप म्यूट में है मैम। वेलकम जैसी मैम। थैंक यू निधि जी, बहुत सुंदर आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी पार्टिसिपेंट्स जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत भाग्यशाली हैं, सुबह सुबह आपने अपने दिन की शुरुआत ध्यान से की है और एक कवच पहन लिया है सुबह सुबह, ताकि हम हर परिस्थिति का सामना कर सके और अपने आप को मजबूत रखते हुए हम अपने दिन के सभी काम करते हुए अपनी ऊर्जा को बढ़ाते रहें। तो अति अद्भुत सुबह सुबह ध्यान करके हम इस संसार रूपी जो सागर है उसकी यात्रा करेंगे आज, और इसी कड़ी में ध्यान के बाद जो हम पद्री जी के कॉन्सेप्ट जो हैं उनको विचार करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीएसएसएम के 18 मार्गदर्शक सिद्धांत। एक्चुअली तो ये पीएसएसएम क्योंकि पत्री जी ने बनाए हैं, और 18 मार्गदर्शक सिद्धांत जो हैं, लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे, जैसे हम ये सभी सिद्धांतों को जानेंगे, तो ये मानवता के लिए सिद्धांत है, हर मनुष्य के लिए ये सिद्धांत है। जो भी व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करेगा उसका जीवन आवश्यक रूप से बदलेगा। और ऐसा नहीं है कि हम पिरामिड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं इसलिए हमें सिद्धांतों का पालन करना है, नहीं। जो भी व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएगा उसके जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा। ये जीवन जीने के सिद्धांत हैं, ये जीवन जीने की कला को जानने के सिद्धांत हैं। तो हर कोई खुश और खुशहाल और सुखी और स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, तो उनके लिए ये सिद्धांत हैं। पत्री जी ने जो ये सिद्धांत 18 बनाए हैं, जो 18 सूत्र दिए हैं हमें, ये सभी ग्रंथों का सार है। जितने भी उपनिषद, वेद, कुरान, बाइबल, गीता, भगवद गीता, ये सभी ग्रंथों का सार है। सभी ग्रंथों में जो मनुष्य को करने योग्य बातें बताई गई हैं, आज हमारे अंदर ना इतना समय है ना हमारे अंदर इतना ज्ञान है कि हम इन ग्रंथों का अध्ययन करके इनसे समझ सके। आज का हमारा जो जीवन है बहुत फास्ट हो गया है, और इनको समझने की हमारे पास उतनी बुद्धि और ऊर्जा भी नहीं है। तो पत्री जी ने इन सभी ग्रंथों का मंथन करके जो मनुष्य को सिद्धांत दिए हैं उन्हें हम 18 प्रिंसिपल्स में आज विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये सभी ग्रंथों का सार है, ये सभी ग्रंथों में ये बातें बताई गई हैं, और उनको पत्री जी ने एक जगह इकट्ठा करके हमें बिल्कुल स्पष्ट और सरल शब्दों में हमारी भाषा में आज के समय के हिसाब से हमें बताया है। तो
उसमें पहला प्रिंसिपल है आनापानासति विधि से ध्यान करना और यही ध्यान विधि दूसरों को सिखाना। दूसरा है सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना और दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा देना। तीसरा है ध्यान संबंधी अनुभवों का आदान प्रदान करना। चौथा मौन का अभ्यास करना। गपशप पूर्णता वर्जित है। गहन ध्यान के लिए पूर्णिमा की रात का उपयोग करना, और वैसे भी पूर्णिमा अब आ ही गई है। ध्यान के लिए पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करना। सातवां है दवाइयों पर मानसिक निर्भरता छोड़कर ध्यान ऊर्जा से स्व चिकित्सा करना। मांसाहार मछली अंडे का सेवन ना करना। आवश्यकता अनुसार भोजन करना। नौवां है प्रकृति में अधिक समय बिताना। दसवां है कोई आध्यात्मिक वस्त्र या शारीरिक चिन्ह धारण नहीं करना। बचपन से ही यानी 5 साल से बच्चों को ध्यान की शिक्षा देना। बारवां है गुरु की तरह रहना, शिष्य की तरह नहीं। तेरवां है ध्यान सिखाने के लिए धन का कोई आदान प्रदान ना हो। चौदवां है मूर्तियों या जीवित गुरु की पूजा ना करना। पंद्रवां है ध्यान शक्ति द्वारा अपनी समस्याओं को दूर करना। सोलवां है सामान्य पारिवारिक जीवन का आनंद ले, संन्यास धारण नहीं करना। सतारवां है सभी गांव कस्बों और शहरों में पिरामिड ध्यान केंद्र स्थापित करना और अपने ध्यान संबंधी अनुभवों को प्रकाशित करना। ये 18 जो सूत्र पत्नी जी ने हमें दिए हैं, अब हम एक 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 सूत्र को गहराई से जानेंगे कि इन सूत्रों में क्या रहस्य छिपा है जीवन को जीने का। सबसे पहला है आनापानासति ध्यान विधि से ध्यान करना और यही ध्यान विधि दूसरों को सिखाना। आनापानासति पाली भाषा का शब्द है और गौतम बुद्ध ने ये ध्यान विधि को संसार को दिया है। और ये ध्यान विधि पहले से ही युगों युगों से ऋषि मुनि सांसों के साथ ही ध्यान करते आए हैं, लेकिन इस आनापाना ध्यान विधि को ज्यादा गौतम बुद्ध के साथ जोड़कर देखा जाता है। और जब हम आनापाना विधि से ध्यान करते हैं तो हम अपने हाथों को क्रॉस करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। इससे हमारे बॉडी के शरीर के ऊर्जा के बाहर जाने के जो दरवाजे हैं, बाहर जाने का जो मार्ग है, वो बंद हो जाता है और हमारी ही ऊर्जा हमारे अंदर जाती है और हमारे अंदर बहुत बदलाव होता है। इसलिए जब हम सांसों के साथ रहते हैं तो हम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, हम स्वयं से जुड़ जाते हैं और ये सांसें हमें जीवन देती हैं। सांस जो है वही हमारी पहचान है, वही हमारी शक्ति है। सांस है तो जीवन है, सांस नहीं है तो जीवन नहीं है। तो सांसों के साथ एक हो जाना ये बहुत ही सरल और सहज विधि है, कोई भी कर सकता है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है या कोई अनपढ़ है, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी इस सरल विधि से ध्यान आसानी से कर सकता है। और इस ध्यान विधि का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि इसमें आपको किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। इस ध्यान विधि से आपके अंदर उतनी ही ऊर्जा आएगी जितनी आप ऊर्जा को लेने योग्य है। तो इससे कोई भी ऊर्जा संतुलित नहीं होती है और हम किसी मार्गदर्शन के बिना केवल एक विधि ये सीखकर कहीं भी कभी भी ध्यान कर सकते हैं। और हमें यही ध्यान विधि दूसरों को भी सिखानी है कि सांसों के साथ रहें, क्योंकि सांसें जो हैं इनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है। सांसों के वही गुण है जो निर्गुण स्वरूप परमात्मा के गुण है। और जब हम अपनी सांसों से जुड़ जाते हैं तो हम उस निर्गुण स्वरूप परमात्मा से जुड़ जाते हैं और फिर उसके बाद जो भी हमारे अंदर बदलाव होते हैं वो बहुत ही सहज होते हैं। तो कोई कठिन प्राणायाम या कोई कठिन विधियों से ध्यान करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह पूरे सृष्टि के लिए, पूरे विश्व के लिए एक ही सूरज है, एक ही चांद है, एक ही तरह सबको सुख दुख की अनुभूति होती है, सबको भूख लगती है एक जैसा महसूस होता है, प्यास लगती है सबका एक ही जैसा अनुभव होता है, उसी तरह से सबकी सांसें भी एक जैसी हैं। इस संसार में आने और जाने का जो विधि है वो भी एक जैसी है। तो फिर ध्यान भी एक ही विधि से करना है, सांसों से। जिस तरह अलग अलग देशों के लिए अलग अलग सूर्य चांद नहीं है,
एक ही है, उसी तरह से अलग अलग मनुष्यों के लिए अलग अलग ध्यान विधियां नहीं है, एक ही एक ध्यान विधान है, श्वासा अनुसंधान, यानी अपने सांसों के साथ एक होकर रहना। दूसरा है सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना और दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा देना। अब यहाँ पर पद्री जी ने लिखा है सही आध्यात्मिक पुस्तकें, इसका मतलब कुछ गलत भी होंगी, सही कहा है तो गलत भी है। सही आध्यात्मिक पुस्तकें कौन सी हैं, पहले हम ये जानते हैं। सही आध्यात्मिक पुस्तकें हैं जो किसी आत्मज्ञानी ने अपने जीवन भर की साधना करने के बाद जो प्राप्त किया है ज्ञान, उसे पुस्तक के रूप में हमें दिया है, वो सही आध्यात्मिक पुस्तकें हैं। और गलत आध्यात्मिक पुस्तक वो है जिसे स्वयं कुछ अनुभव नहीं है, उसने स्वयं साधना भी नहीं की है, लेकिन 5-6 किताबें पढ़ के उसमें अपने मन के विचार जोड़कर एक और किताब बना दी है, उन सभी किताबों से कुछ कुछ मैटर लेकर, कुछ कुछ विषय लेकर और कुछ अपना उसमें जोड़कर एक किताब बना दी है, तो वो सही आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है। सही आध्यात्मिक पुस्तकें वो हैं जो सही मायने में ध्यान से, साधना से, तपस्या से, जीवन भर के जो संयम से बाहर आई हैं, और वो ज्ञान जो हमें पुस्तकों के रूप में मिलता है मास्टर से, वो सही आध्यात्मिक पुस्तकें हैं। और वही पुस्तकें हमें पढ़नी है और दूसरों को भी पढ़ने की प्रेरणा देनी है। तो पत्री जी ने ये जो सिद्धांत, पहला जैसे हमने जाना आनापानासति विधि से ध्यान करना और ध्यान सिखाना, यानी आपने जितना सीखा है साथ साथ दूसरों को सिखाते जाओ, ऐसा नहीं है कि जब मैं कुछ अनुभव होंगे तब सिखाऊंगा, जितना हम जानते हैं उतना हम दूसरों को बताते रहे ताकि हमारी ऊर्जा संतुलित होती रहे और हम लोक कल्याण के कार्य में शुरू से ही सहयोग करना शुरू कर दें। और इसी तरह दूसरा जो सिद्धांत है उसमें भी यही है कि सही पुस्तकें पढ़ना, अब आपने पढ़ ली, अब वो पुस्तक किसी और को दे दो पढ़ने के लिए, दूसरों को भी प्रेरणा दो पढ़ने के लिए। और यहाँ पर जो हमारी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी की मैगजीन्स आती हैं इंग्लिश में और हिंदी में, उसमें पत्री जी जो बुक्स पढ़ते हैं, जो आज के विदेशी जो वैज्ञानिक हैं, आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं, वो बहुत ही रिसर्च करके बहुत सारी चीजें हमारे सामने पुस्तकों के रूप में ला रहे हैं, जो पत्री जी पढ़ते हैं और उनके हमें नाम बताते हैं, हमें बताते हैं कि इस पुस्तक में क्या लिखा है, हमें वो पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो उन पुस्तकों का जो सारांश है वो इन मैगजीन्स में दिया जाता है। तो अगर आप पुस्तक नहीं भी पढ़ पाते तो आपको मैगजीन का आर्टिकल पढ़ के पता चल जाता है ये पुस्तक किस बारे में है, और आप उस पुस्तक को फिर बाद में पढ़ सकते हैं। तो ये जो सभी मैगजीन्स हैं, चाहे वो हिंदी की है, इंग्लिश की है, तेलुगु की है, कन्नड़ भाषा में है, ये सभी पत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके मार्गदर्शन में बनती हैं और इनमें अद्भुत ज्ञान छिपा हुआ है। और इसमें ये बताया जाता है कि पत्री जी द्वारा बताई गई कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, वो समय समय पर इन मैगजीन्स में बताया जाता है। तो हमें सही पुस्तकें पढ़नी है और वही पुस्तकें दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा देनी है। अब पुस्तक पढ़ने से क्या होता है, पुस्तक पढ़ने से सबसे पहले हमारी बुद्धि का जो दीपक है वो जल जाता है। ग्रंथों में बुद्धि को एक दीपक कहा गया है, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, अज्ञान जो है वो अंधेरा है, लेकिन जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो वो जो ज्ञान रूपी दीपक हमारे अंदर जलता है, हमारी बुद्धि प्रकाशित होती है, और दूसरा हमारे विचारों की गुणवत्ता और गुणात्मकता बदल जाती है, यानी विचार कम होते जाते हैं, व्यर्थ के विचार हट जाते हैं और सही विचार, जो लोक कल्याण के विचार हैं, भलाई के विचार हैं, उन वो विचार बढ़ते जाते हैं, और हमें नए विचार जो हैं, पुराने विचार हमारे चले जाते हैं और हम नए विचारों को ग्रहण करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हमें लगता है कि ये गंभीर बीमारियां ठीक नहीं हो सकती हैं, यही डॉक्टर बताते हैं, लेकिन जब हम ऐसी पुस्तकें पढ़ते हैं जिसमें लोगों ने अपने कैंसर तक को सांसों के साथ एक होकर उस ऊर्जा से ठीक किया है, बहुत बहुत भयंकर बीमारियां सिर्फ ध्यान करके ठीक की हैं, तो हमें भी ये विचार आता है, हम भी इस बात को समझने लगते हैं कि इस ऊर्जा से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये नए विचार जो हैं वो पुस्तकों से हमें मिलते हैं। और हम सिर्फ पुस्तक पढ़ते नहीं हैं जो उसमें लिखा है, हम उस मास्टर की,
उस लेखक की जिसने वो पुस्तक लिखी है उसकी ऊर्जा और उसकी जो ज्ञान है जो पुस्तक में नहीं लिखा गया है, जब आप उस मास्टर से ध्यान करके कनेक्ट होते हैं तो वो आप वो ज्ञान का अनुभव भी उस मास्टर से ले सकते हैं। तो पुस्तकें पढ़ने से हमारी बुद्धि का दीपक जो है वो जल जाता है और पुस्तकें पढ़ने से हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है बुक्स आर द शॉर्टेस्ट वे टू एनलाइटनमेंट। आपका कोई मित्र नहीं है, आपका कोई अपना नहीं है, आप अकेले हैं और पुस्तकें आपकी मित्र हैं। आप पुस्तकें पढ़ के अपने जीवन में मार्गदर्शन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ पुस्तकें मैंने दिखाई हैं कि रॉबिन शर्मा की है, एक सन्यासी जिसने संपत्ति अपनी संपत्ति बेच दी, हिमालय का समर्पण योग, हिमालय के संतों के संग, आपके अवचेतन मन की शक्ति, बहुत ही अद्भुत पुस्तक है, परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत, जो पत्री जी जो भी आते हैं सबसे पहले उसे यही पुस्तक पढ़ने के लिए कहते हैं, द फोर एग्रीमेंट, माँ अवतार बाबा जी से वार्तालाप, तुम शाश्वत हो, शक्तिमान वर्तमान, असंभव क्रांति, जीवन जीने की कला, ये बहुत सारी जो पुस्तकें हैं ये इंग्लिश से अंग्रेजी से इनका हिंदी में अनुवाद हुआ है, तो आप इन पुस्तकों को हिंदी में पढ़ सकते हैं अगर आपको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती है। ऐसे ही आत्माओं की यात्रा है, फकीर है, अष्टावक्र गीता है, टीचिंग्स ऑफ ब्रह्मऋषि पत्री जी है, लुईस एल हे की यू कैन हील योर लाइफ, और एंड्रिया गार्डनर की है चेंज योर वर्ड्स, अपने शब्दों को बदलकर अपनी दुनिया बदले, यू आर द प्लेसिबो, बिकमिंग सुपर नेचुरल, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड, सुख में जीवन जीने के सीक्रेट एंड सोल्स लेसन एंड पर्पस। तो ये बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए हम इन पुस्तकों से जो बहुत सरल भाषा में हिंदी भाषा में बताई गई हैं और जो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हुआ है इन पुस्तकों का, तो इनके ज्ञान का हम लाभ ले सकते हैं। तीसरा है अपने ध्यान संबंधी अनुभव रुचि लेने वाले साधकों के साथ साझा करने। जहां भी पत्री जी जाते हैं, जहां भी ध्यान का सेशन होता है, तो वो जाते ही ध्यान नहीं कराते, सबसे पहले वहां जो मास्टर्स होते हैं उनको बुलाते हैं, उनके एक्सपीरियंस से शेयर कराते हैं, उनको कहते हैं कि आप अपना ध्यान का अनुभव बताओ, और कुछ मास्टर्स के अनुभव सुनने के बाद तभी ध्यान कराते हैं। तो जब हम अपने ध्यान अनुभव दूसरों के साथ साझा करते हैं तो उससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है इस मार्ग पर चलने की, हम अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं और हम भी संतुलित हो जाते हैं, और अनुभव शेयर करने से साझा करने से कई बार बहुत लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर भी उसी में मिल जाते हैं। तो अनुभव हमें जहां भी ऐसा मौका हो जरूर साझा करने हैं। ऐसा नहीं है कि जो अध्यात्म में आए नहीं है, जो बात सुनना नहीं चाहते, हम उनके साथ साझा करें, नहीं। जहां पे हमें लगता है कि हमारा अनुभव शेयर करने से कुछ लाभ होगा तो हमें वहां अपना अनुभव जरूर शेयर करना चाहिए, अपने ध्यान संबंधी अनुभवों को सबके साथ बांटना चाहिए, क्योंकि मास्टर हमें जो भी ज्ञान देते हैं, जो भी अनुभव देते हैं, वो केवल हमारे लिए नहीं है, वो सबके लिए, हम केवल एक माध्यम है, तो हमें वो जो ज्ञान और ऊर्जा हमें मिली है वो सबके साथ बांटनी चाहिए। चौथा है मौन का अभ्यास करें, गपशप पूर्णता वर्जित है। हम अपनी इतनी ऊर्जा सारा दिन व्यर्थ की बातों में व्यर्थ करते हैं और फिर हम कमजोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। एक एक शब्द जो है वो हमारी ऊर्जा को लेकर ब्रह्मांड में जाता है और फिर वही चीजें हमारे जीवन में होने लग जाती हैं। तो इसलिए दिन में कुछ समय हमें जरूर मौन का अभ्यास करना चाहिए। एक समय निश्चित करें कि मैं 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे या 1 घंटा मौन का अभ्यास करूंगा, और जैसे जैसे हम मौन का अभ्यास करते हैं हमारी जागरूकता बढ़ जाती है, और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है तो जीवन की गुणवत्ता बदलने लगती है। हम ये जान जाते हैं कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, और हमारा अपने मन पर नियंत्रण होने लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई बात हुई और फटाफट से हमने बोलना शुरू कर दिया, हम सोच समझ कर बोलते हैं कि क्या यहाँ बोलने की जरूरत है, लेकिन ये तभी संभव है जब हम मौन का अभ्यास करें। जब तक हम मौन का अभ्यास नहीं करते हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। और दूसरी बात यह है गपशप, गपशप का मतलब है कि जो दो लोग बात कर रहे हैं वो अपने दोनों अपने बारे में बात ना करके एक
तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो वहां पर है ही नहीं। तो जब हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हमारी बात या तो उसकी कोई बुराई करने में होती है और या उसकी कोई गलत बात दूसरों को बताने में होती है। तो हमें गपशप अध्यात्म में पूर्णता वर्जित है। इसे अगर दूसरे ग्रंथों की भाषा में कहा जाए तो इसे निंदा चुगली कहा जाता है कि जब आप किसी की अनुपस्थिति में उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो निंदा है, क्योंकि उसमें हम दूसरों की बुराइयों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, उसमें हम अपना भी धारणा जोड़ लेते हैं, अपने भी विचार जोड़ देते हैं। तो अध्यात्म में गपशप पूर्णता वर्जित है, क्योंकि ये गपशप जो है ये आत्मा का कैंसर है। ये इतनी भारी ऊर्जा है जो आत्मा के ऊपर जमा हो जाती है और ये कैंसर का रूप ले लेती है। तो अध्यात्म में आप जो जानते हैं उसके बारे में बात करें, और जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं या उसके बारे में बात करें, उसके सामने या अपने बारे में बात करें, किसी भी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात ना करें जो वहां पर नहीं है। कई बार हम दूसरों की बुराइयां बहुत बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, और कई बार हम दूसरों में वो अच्छाई नहीं होती है लेकिन अपना काम निकालने के लिए हम उसको वो प्रशंसा करते हैं उस चीज के लिए जो उसमें है ही नहीं क्वालिटी। तो ये दोनों तरह से बुराइयों को बताना, बुराइयों का दूसरों की बुराइयों को ध्यान देना और उन्हें बताना, और जो अच्छाई उसमें नहीं है उस अच्छाई का गुणगान करना, दोनों तरह से ये वर्जित है। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हम मौन का अभ्यास करें ताकि हमारे अंदर इस बात का विवेक उत्पन्न हो कब कहाँ और कितना बोलना है। और अभी 2012 में और भी एक बार हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि पत्री जी ने पूरे एक एक साल का मौन रखा, और वो कहते हैं कि एक साल का मौन करने के बाद मुझे 20 साल तक काम करने की ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों आप देखो कितनी ऊर्जा बच जाती है। एक साल मौन रखने से वो 20 साल काम करने की ऊर्जा इकट्ठी करते हैं, लेकिन हमको बोलते ही रहते हैं। हमें लगता है हम बोलेंगे नहीं तो संसार कैसे चलेगा, लेकिन अगर मेहर बाबा, रमन महर्षि और पत्री जी हमें एग्जाम्पल करके बता रहे हैं कि बिना बोले भी सब चीजें हो जाती हैं, तो हमें भी अपने जीवन में उस बात को लेकर आना है ताकि हम अपने आप को जान सकें, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगा सकें। इसके बाद में आता है पूर्णिमा ध्यान। अभी 24 तारीख को पूर्णिमा है, कल पूर्णिमा से एक दिन पहले और एक दिन बाद में पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में ब्रह्मांड की ऊर्जा बहती है। और उस समय क्या होता है, पूर्णिमा के समय आप देखते हो ज्वार भाटा आता है, तो जो चंद्रमा है वो ब्रह्मांड से ऊर्जा लेता है, उसकी अपनी ऊर्जा नहीं है, इसीलिए वो घटता बढ़ता रहता है। और जब पूर्णिमा के समय चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, उसे ऊर्जा की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो पूर्ण हो गया, और उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सीधी धरती पर आती है। और गुरुत्वाकर्षण जो चांद का गुरुत्वाकर्षण है वो धरती से एक जो धरती की हाई प्रेशर बेल्ट है उसको अपनी ओर खींचता है, क्योंकि वो पूर्ण है और वो धरती पर 80% पानी है और वही 80% पानी हमारे भीतर भी है। तो इसीलिए पूर्णिमा के समय पर समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, क्योंकि वो एक प्रेशर क्रिएट होता है और वो ऊपर की ओर खींचता है चंद्रमा की ऊर्जा से, तो ज्वार भाटा आता है। तो हमारे भीतर भी जो पानी है, पानी का संबंध हमारी भावनाओं से है, और मनुष्य जीवन भावना प्रधान है। तो चंद्रमा के समय जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो हमारे अंदर भी बहुत बदलाव आता है, क्योंकि हमारे अंदर का जो भावनाएं हैं, हमारे जो अंदर का पानी है, वो भी चंद्रमा की ऊर्जा से बहुत प्रभावित होता है और वो कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपने कभी देखा होगा तो जो लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं वो इन 3 दिनों में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वो मारपीट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जो चंद्रमा की पूर्णिमा की ऊर्जा है वो उनके अंदर की जो स्थिति है उसे कई गुना बढ़ा देती है और उन्हें नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम ध्यान करते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं, इस अध्यात्म की यात्रा पर चलते हैं, तो वही जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर की शांति को कई गुना बढ़ा देती है।
तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन इन 2-3 दिनों में जब चंद्रमा की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और धरती पर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, तो हमारे अंदर बहुत बदलाव आता है। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, हम इन चीजों को महसूस कर पाते हैं। तो पूर्णिमा की एक रात पहले और एक रात बाद अगर हम सामूहिक ध्यान करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। कोई हमारी लंबी चली आ रही बीमारियां जो हैं वो भी ज्यादा ध्यान करने से ठीक हो जाती हैं। तो जब जब पूर्णिमा आए हमें इन 3 रातों का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए ध्यान करने के लिए। तो ध्यान करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम बाहर खुले आकाश के नीचे बैठे, नहीं, हम अपने कमरे में बैठकर जहां भी सुविधा है वहां ध्यान कर सकते हैं और हमें वो ऊर्जा मिलती है। तो पूर्णिमा की ऊर्जा का अवश्य इस्तेमाल करें ताकि हमारा शरीर जो है उस ऊर्जा को ग्रहण करके स्वस्थ रहे। छठा आता है ध्यान के लिए पिरामिड का उपयोग करना। ये पिरामिड को ध्यान से पत्री जी ने जोड़ा है। पिरामिड तो पहले भी थे, ध्यान भी था, लेकिन इन दोनों को पत्री जी ने जोड़कर हमें बहुत ही अनुपम उपहार दिया है मानवता को कि पिरामिड के नीचे बैठकर जब आप ध्यान करते हो तो आपका ध्यान 3 गुना जल्दी लगता है, 3 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और पिरामिड का हम कई तरह से अपने दिनचर्या में उपयोग कर सकते हैं। हम पिरामिड से पानी चार्ज करके पी सकते हैं, हम पिरामिड का अपने खाने की वस्तुएं उससे चार्ज कर सकते हैं, कहीं हमें कोई जख्म हो, दर्द हो, वहां पर हम पिरामिड रख के उस ऊर्जा से लाभ ले सकते हैं। तो पत्री जी ने ये कर्नूल में सबसे पहला जो ध्यान के लिए पिरामिड बनाया, पिरामिड तो थे लेकिन उनमें ध्यान नहीं होता था, तो पत्री जी ने ये ध्यान और पिरामिड को साथ में जोड़कर पहला जो कर्नूल में बुद्धा पिरामिड बनाया और लोगों ने उन्हें बताया कि ध्यान करके पिरामिड के अंदर उन्हें कितना लाभ मिल रहा है। और उस समय पत्री जी ने विल शू लैंड एंड पीटेड की एक पुस्तक पढ़ी थी जिसमें पिरामिड के प्रयोग दिए गए थे कि पिरामिड ऊर्जा कैसे काम करती है। और बहुत सारे प्रयोग करने के बाद पत्री जी ने ये देखा कि अगर सब्जियों पर, फलों पर और निर्जीव वस्तुओं पर पिरामिड ऊर्जा इतना काम करती है, उनको इतना लाभ मिलता है, तो अगर इसे जीवित मनुष्य के साथ जोड़ा जाए तो कितना लाभ होगा। तो इसीलिए उन्होंने पिरामिड ध्यान जो है उसे हमें बताया और अपनी सोसाइटी का नाम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट रखा। तो ध्यान के लिए हम पिरामिड ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और कई तरह के पिरामिड हैं जिन्हें हम लेकर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सातवां है दवाइयों पर मानसिक निर्भरता छोड़कर ध्यान ऊर्जा से स्वचिकित्सा करना। ये मानसिक निर्भरता क्या है? हमें जरा सा भी कुछ होता है, दर्द हुआ, कहीं कुछ हुआ, तो हम फटाफट से गोलियां खाना शुरू कर देते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दवाई जो खा रहे हैं हम वो हमारे शरीर का कितना नुकसान कर रही है ये हमें पता बाद में चलता है, बहुत समय बाद, कि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट से कितनी खराबी हो गई है शरीर। लेकिन ये दवाइयां तभी काम करेंगी जब हमारे अंदर की ऊर्जा काम करेगी। तो हमारे विचारों के कारण ये हमारे अंदर ऊर्जा कम होती है और हमारे ऊर्जा शरीर में ऊर्जा की कमी के कारण बीमारियां बन जाती हैं। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो कि गोल गोल बैलून, आपने स्पिरिचुअल रियलिटी में भी देखा होगा, ये सारे विचार हैं जो ये ब्लू लाइट है, जो एनर्जी है उसको शरीर के अंदर आने नहीं देते और शरीर में लाल लाल रंग के पैच क्रिएट हो जाते हैं, यानी ऊर्जा रुक गई है और वहां वहां बीमारी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, हम ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तो हमारे अंदर के ये जो ऊर्जा अवरोध हैं, ये ऊर्जा से ही ठीक हो जाते हैं। मनुष्य शरीर ऊर्जा से बना है, ऊर्जा से चलता है, और ऊर्जा खत्म होने पर इसका जीवन खत्म हो जाता है। तो जो चीज ऊर्जा से बनी है, ऊर्जा से चलती है, उसे ऊर्जा से ही ठीक भी किया जा सकता है। तो हमें दवाइयों पर अपनी मानसिक निर्भरता छोड़नी है। इमरजेंसी में, आपातकालीन स्थिति में, कोई कहीं फ्रैक्चर हो गया है या दांत निकलवाना है, कोई ऐसी स्थिति आ गई है जब हमें मदद की जरूरत है, तब हम मदद ले सकते हैं। लेकिन हर छोटी छोटी चीज के लिए दवाइयां खाना, गोलियां खा के शरीर को खराब करना ये उचित नहीं है। इसलिए हमें अपनी चिकित्सा ध्यान को बढ़ाकर ध्यान से ही अपनी चिकित्सा करनी चाहिए। आगे है मांसाहार भोजन नहीं करना है और भोजन भी आवश्यकता अनुसार करना है।
क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा अन्न वैसा मन। और जो शरीर हमें लगता है अन्न से हमारा शरीर बनता है, लेकिन नहीं, उसी अन्न से, उसकी ऊर्जा से हमारा मन भी बनता है। और जैसा हम ऊर्जा वाला भोजन ग्रहण करते हैं वैसे ही हमें विचार आते हैं। तो इसलिए नॉन वेज का सेवन नहीं करना है, गार्लिक का सेवन नहीं करना, क्योंकि ये तामसिक है और ये हमारे अंदर में तामसिक वृत्तियों को जगाता है। तो इसलिए गार्लिक का सेवन, माने लहसुन का सेवन नहीं करना, मशरूम का सेवन नहीं करना, क्योंकि मशरूम ना तो फल है ना सब्जी है, ये फंगस से पैदा होती है, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता, और इसलिए इसके अंदर कोई प्राण ऊर्जा नहीं। तो हमें मशरूम का सेवन नहीं करना है और माइक्रोवेव का सेवन नहीं करना। जब हम माइक्रोवेव का सेवन करते हैं तो माइक्रोवेव की जो तरंगे हैं, रेडिएशन है, वो खाने के सभी पौष्टिक तत्व जो है उन्हें नष्ट कर देती है। और हम माइक्रोवेव में गर्म किया या पकाया खाना ऐसा है जैसे गन्ने का रस निकाल के उसका जो छिलका फोक बच जाता है हम वो खा रहे हैं। तो वो खाना, वैसा खाना हमें क्या ऊर्जा देगा, बल्कि वो हमारे अंदर की प्राण ऊर्जा को और कम कर देगा। तो माइक्रोवेव में पकाया या गर्म किया खाना हमें इस्तेमाल नहीं करना है, और बासी खाना नहीं खाना। जहां तक हो सके हमें ताजा फल सब्जियों से पूर्ण प्राण ऊर्जा से भरपूर खाना खाना चाहिए। और जैसा, जितना ज्यादा हम सुपाच्य, सात्विक और प्राण ऊर्जा से भरा हुआ खाना खाएंगे, उतना ध्यान में हमारा मन बहुत आसानी से लग जाएगा। जितना हम तामसिक, बासी या ज्यादा खाना खाएंगे, बहुत भारी खाना खाएंगे, उतना ध्यान करना कठिन हो जाएगा। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर हम कहते हैं हमें ध्यान में बहुत विचार आ रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि हम खाना किस तरह का खा रहे हैं, क्योंकि खाने का बहुत संबंध है हमारे मन और विचारों से। तो हम अपने खाने की जो आदतें हैं उन पर ध्यान दें और उन्हें सुधारें, तो ध्यान करना आसान हो जाएगा। प्रकृति में अधिक समय बिताना, क्योंकि जब हम प्रकृति में बैठते हैं, जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं या हम समुद्र के तट पर जाते हैं, नदी के तट पर जाते हैं, तो वहां का जो प्रकृति का वातावरण है वही हमारे मन को शांत कर देता है। तो जब भी आपको समय मिले, हमें कभी ना कभी साल में जब भी समय मिले, कुछ दिनों के लिए प्रकृति में जरूर जाना चाहिए। प्रकृति के अंदर इतनी अद्भुत शक्तियां हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है, और बिना किसी दवाई के, बिना किसी प्रयास के, प्रकृति में समय बिताने से ही हमारा शरीर चार्ज हो जाता है, प्रकृति की ऊर्जा हमें मिलती है, क्योंकि प्रकृति में मनुष्य के विचारों का प्रदूषण नहीं है। प्रकृति की ऊर्जा बहुत पवित्र है। जब आप जंगल में, समुद्र के किनारे, ऐसी जगह जाकर ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान बहुत गहरा लग जाता है। तो हमें अधिक से अधिक समय प्रकृति में बताना चाहिए। और अभी तो आजकल बहुत सुविधा है कि आप गार्डन में, बगीचे में, आजकल इतने बाग बगीचे बने हैं, तो आप कुछ समय के लिए बाग बगीचे में जाकर नंगे पांव चलें, पेड़ों की ऊर्जा को महसूस करें, पौधों की, फूलों की ऊर्जा को महसूस करें, तो आपका जो ध्यान है, आपकी जो जागरूकता है वो बढ़ने लग जाएगी और आपका मन जल्दी शांत हो जाएगा। तो प्रकृति में अधिक समय बिताना चाहिए। और कोई भी आध्यात्मिक वस्त्र या चिन्ह धारण नहीं करना, जैसे अंगूठियां पहन लेना बहुत सारी, और बहुत सारे मालाएं पहन लेना, कपड़े बदल लेना। तो कपड़े बदलने से मन का कोई संबंध नहीं है, कपड़े बदलने से मन नहीं बदलता, मन जैसा है वैसा ही रहेगा। तो हमें मन को बदलना है। हमें ये कपड़े बदलने से भ्रांति हो सकती है कि हम अध्यात्म के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अगर मन नहीं बदला तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि एक जो व्यक्ति था वो अपने घर परिवार की समस्याओं से दुखी होकर हिमालय में चला गया, और उसने बहुत साधना की, 15-20 साल हिमालय में साधना की, और उसे लगा मुझे बहुत सिद्धियां और ये सब कुछ मिल गया है और अब मुझे संसार में जाना चाहिए। तो उसने एक बहुत रमणीय स्थान देखकर एक अपनी कुटिया बनाई और वहां रहना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे लोगों को पता चला कि ये तो बहुत साधु जो आए हैं हमारे गांव में, ये तो बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत हिमालय में तपस्या करके आए हैं, तो लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और उनकी पहाड़ी के ऊपर कुटिया थी, लोगों को उनका समाधान बताते थे और सन्यासी बन गए थे, और इस तरह से उनका जीवन चल रहा था, बहुत सारे चेले भी हो गए।
और धीरे धीरे ये बात उनकी पत्नी तक भी पहुंच गई कि मेरा जो पति है वो सन्यासी बन के वापिस आया है और उसने बहुत सिद्धियां पा ली हैं और लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं, तो उसको लगा मैं भी जाके देखूं। तो वो भी जब गई अपने पति से मिलने, और जो वो चेला था, जो सेवक था, उसने दूर से उनकी पत्नी को पहाड़ी चढ़ते हुए देखा और उसने अंदर जाके अपने गुरु को बोला कि आज आपकी पत्नी भी आई है। तो उन्होंने कहा कुटिया का दरवाजा बंद कर दे, उससे मुझे नहीं मिलना है। तो वो जो चेला था उसने कहा कि आप अपने आप ही दरवाजा बंद कर लेना, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। मैंने समझा कि आप पूर्ण गुरु हो, आप सब कुछ पा चुके हो, लेकिन अभी भी आपको अपना और बेगाना दिख रहा है, अभी भी आप उसको पत्नी समझ रहे हो, आप बिल्कुल नहीं बदले हो। तो मैंने आपकी सेवा करके अपना समय व्यर्थ गवाया है, मैं जा रहा हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, आप जानो और आपकी पत्नी जाने। तब उन्हें एकदम से पता चला कि अंदर से तो नहीं बदला, बाहर से तो बदल लिया सब कुछ, लेकिन वो अंदर जो छुपी हुई बातें थी, जो दबी हुई बातें थी, वो सामने पाकर बाहर आ गई। तो कपड़े बदलने का क्या फायदा हुआ? तो उन्होंने अपने शिष्य के पैर छू लिए कि आज तूने मेरी आंखें खोल दी हैं, कि अंदर से बदलना है, बाहर से बदलने से कुछ नहीं होता है। जैसे ही परिस्थितियां आती हैं, हम अंदर से जैसे हैं वो चीज सामने आ जाती है। तो इसीलिए पत्री जी ने ये कहा कि कपड़े बदलने की, अंगूठियां पहनने की, माला पहनने की कोई जरूरत नहीं, हम कोई विशेष नहीं है, हम साधारण व्यक्ति हैं, हमें साधारण व्यक्ति की तरह ही रहना चाहिए, अपनी आध्यात्मिकता का दिखावा नहीं करना चाहिए। पिरामिड मास्टर का मतलब है एक ऐसी जीवन शैली, एक ऐसी मनोस्थिति जो मन से बदला है, जिसने सिर्फ कपड़े नहीं बदले हैं। तो इसलिए कपड़े बदलने की और कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने मन को बदलना है, मन को चमत्कारिक बनाना है, और मन बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। 11वां है बचपन से ही बच्चों को ध्यान सिखाना, यानी 5 साल की उम्र से ही उन्हें ध्यान की शिक्षा देना, क्योंकि बच्चे ग्रहणशील होते हैं, उनका सब कॉन्शियस माइंड उस समय खुला होता है और जो भी उनके आसपास होता है वो पूरा ग्रहण कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमें लगता है बच्चा इतना छोटा है, उसे भाषा भी नहीं आती है, असहाय है, वो क्या सीखेगा, लेकिन कहते हैं कि 5 साल की उम्र तक बच्चा अपने वातावरण से, अपने माता पिता से सब कुछ सीख लेता है कि उसे कैसा जीवन जीना है। 95% बच्चे की पूरी लर्निंग जो है वो घर पे 5 साल की उम्र तक हो जाती है। और 5 साल की उम्र में जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उसकी पढ़ाई पर लाखों रुपया खर्च करते हैं, तो वो सिर्फ हम 5% जो वो शिक्षा लेगा उस पर लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब वो घर में हमारे पास रह रहा है तब वो हमसे क्या सीख रहा है उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारे घर का वातावरण कैसा है, कैसा वातावरण हम बच्चे को दे रहे हैं, कैसी ऊर्जा हम बच्चे को दे रहे हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो एक आध्यात्मिक माता पिता ही सही मायने में बच्चों की सही परवरिश कर सकते हैं। जब घर का वातावरण आध्यात्मिक होगा तो बच्चे अपने आप उस ऊर्जा को ग्रहण करके अपने जीवन में बहुत प्रगति करेंगे। और बचपन से ही, क्योंकि 5 साल की उम्र तक बच्चे गॉड स्टेट में रहते हैं, इसीलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है। 5 साल से ही उसके बाद हमें उन्हें ध्यान सिखाना चाहिए, क्योंकि तब उनका जो चेतन मन है वो बनना शुरू होता है, जागना शुरू होता है, उससे पहले वो सोया रहता है। बच्चे के लिए कोई वर्तमान नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, कोई भूतकाल नहीं है, बच्चा हमेशा वर्तमान में रहता है, इसलिए वो इतना ऊर्जावान रहता है। तो हमें 5 साल का जब वो हो जाए तभी से उसे ध्यान सिखाना चाहिए, ताकि उसे अपने मन को शांत करना, स्थिर करना और मन की शक्तियों का उपयोग करना आ जाए। तो 5 साल से ही हमें बच्चों को ध्यान में लगा देना चाहिए और गुरु की तरह रहना चाहिए, चेले की तरह नहीं। जो पत्री जी का संदेश है, बी अ मास्टर, बी अ लाइट ऑन टू योर सेल्फ, अपने अपने आप को स्व प्रकाशित करो। कोई किसी को प्रकाश नहीं दे सकता, कोई किसी को ज्ञान नहीं दे सकता, कोई किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकता कि तुम मुक्त हो जाओ, ये लेने देने की चीजें नहीं है, ये तो साधना से खुद हमें अर्जित करना है। तो हम मार्गदर्शन ले सकते हैं, जो हमसे आगे है उससे मार्गदर्शन ले सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को मास्टर बनाना है, अपने मास्टर बनना है, किसी दूसरे के मास्टर नहीं बनना, किसी दूसरे के चेले भी नहीं बनना, किसी दूसरों को अपने अधीन भी नहीं रखना है। तो हम स्वयं भगवान हैं, अहम ब्रह्मास्मि, और हमें अपने अंदर की उस गॉड फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करना है जो
तो बचपन में हमारी फ्रीक्वेंसी थी, तो जब हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर की वही शक्तियां जागने लग जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है बी लाइक अ चाइल्ड। बी लाइक अ चाइल्ड का मतलब क्या है कि अपनी उसी ऊर्जा उसी फ्रीक्वेंसी में रहो जो बचपन में आपकी थी, और किसी के चेले बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब भगवान हैं और हमें अपनी भगवत सत्ता को ध्यान से जानना है। बस इतना ही फर्क है, गुरु ने जान लिया है, हमने अभी जानना है, तो हम मार्ग पूछकर हम उस मार्ग पर चल पड़े। अगर हमें क्रिकेटर बनना है तो सचिन तेंदुलकर की फोटो लगाकर तस्वीर लगाकर अगरबत्ती देने से और दिन रात प्रार्थना करने से हम अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। खिलाड़ी बनने के लिए हमें तो बैट बॉल लेकर मैदान में जाना पड़ेगा, दिन रात पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम खिलाड़ी बनेंगे। इसी इसी तरह संगीतकार बनने के लिए अगर हम किसी लता मंगेशकर की या किसी संगीतकार की तस्वीर लगाकर दिन रात पूजा करते रहें और जा जाकर उन्हें कहें कि हमें आशीर्वाद दो, तो आशीर्वाद देने से पूजा करने से कोई संगीतकार नहीं बनता, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। इसी तरह अपने मास्टर बनने के लिए अपने अंदर से उस ऊर्जा को जगाने के लिए साधना करनी पड़ती है। किसी के आशीर्वाद से वो ऊर्जा हमें नहीं जाग सकती हमारे अंदर से, और हमें अपने मास्टर बनना है। इसीलिए पत्री जी कहते हैं कि मैं एक मे आई हेल्प यू काउंटर हूँ। जब आप रेलवे टिकट काउंटर पे जाकर पता करते हो कि मुझे यहाँ जाना है, ये ट्रेन की टिकट मुझे लेनी है, कितने बजे ये ट्रेन जाएगी, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है और आप टिकट लेकर वहां से काउंटर से आ जाते हो, लेकिन आप उसके पाँव नहीं छूते हो कि तुमने बहुत मेरे ऊपर उपकार किया, बहुत एहसान किया कि मुझे टिकट दे दिया। उसका काम है आपको मार्ग बताना, आपको बताना। तो इसी तरह गुरु का काम है मार्गदर्शन देना और आपका काम है उस मार्ग पर चल पड़ना और अपनी साधना करना। तो हमें गुरु की तरह रहना है, चेले की तरह नहीं। और 13वां जो प्रिंसिपल पत्री जी ने बनाया है कि ध्यान सिखाने के लिए पैसे का आदान प्रदान ना हो। अगर ज्ञान और ध्यान भी पैसे से मिलता तो ये भी गरीबों को नहीं मिलता, पैसे वालों को ही मिलता, क्योंकि वो तो धन से सब चीज खरीद लेते, लेकिन ये ज्ञान और ध्यान का जो मार्ग है इसमें पैसे का लेन देन ना हो। कुदरत ने हमें हर चीज प्रकृति ने फ्री दी है, और जो भी ज्ञान हमें गुरुओं ने संतों ने दिया है वो भी फ्री ही दिया है। तो फिर उस ज्ञान को जानकर हम क्यों किसी से पैसा लेते हैं कि ये कोर्स करने से आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, ये कोर्स करने से आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। अध्यात्म में कोई कोर्स नहीं होता है, अध्यात्म में हमें साधना करके अपने अंदर से ज्ञान को अर्जित करना है। जो कोई अंदर से ज्ञान पाता है वो ज्ञान ऐसा ही है जैसे आपने स्वयं अपने बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन जो हम दूसरों से उधार का ज्ञान लेते हैं तो वो समय से काम नहीं आता है। तो हमें धन का लेन देन इस अध्यात्म में ध्यान सिखाने के लिए नहीं करना है। 14वां है मूर्ति या जीवित गुरु की पूजा नहीं करना। हम बहुत ज्यादा मूर्तियों से जुड़े रहते हैं, ये एक समय तक ठीक है कि हमें मार्ग हमें बचपन में सिखाया जाता है, हम पूजा पाठ में लग जाते हैं और हम धीरे धीरे परमात्मा की तरफ उसको जानने लगते हैं, उसके अस्तित्व को महसूस करने लगते हैं, लेकिन वो मूर्ति किसने बनाई है? वो मूर्ति मनुष्य ने बनाई है, वो परमात्मा की मूर्ति नहीं है, वो परमात्मा ने नहीं बनाई है, मनुष्य ने स्वयं ही मूर्ति बनाई, स्वयं ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और स्वयं ही उस मूर्ति से वो मांगता रहता है। तो जब हम मूर्ति के सामने जाते हैं, आप यहाँ से शिरडी साई बाबा के यहाँ गए या वैष्णो देवी गए या किसी भी मंदिर में आप यात्रा करके इतना धन खर्च के गए और मूर्ति के सामने जाते ही आपके दोनों हाथ जुड़ जाते हैं, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं और आपका सिर जो है वो झुक जाता है। कोई भी मूर्ति के सामने ऐसे अकड़ के खड़ा नहीं होता, अपने आप ही उसका सिर झुक जाता है। इसका क्या मतलब है? वो मूर्ति हमें संदेश दे रही है कि तुम हाथों को क्रॉस करो, अपने भीतर जाओ, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, अपने भीतर से मिलेगा, आंखें बंद करो, अपने भीतर जाओ, अपनी ऊर्जा को समझो। वो मूर्ति ही हमें ये संदेश दे रही है, लेकिन हम उस संदेश को ना लेकर हम बस वहां पर जाकर अपना शीश निवाकर और प्रसाद लेकर घर आ जाते हैं कि हम दर्शन करके आ गए, लेकिन मूर्ति ने हमें संदेश क्या दिया है कि अपने भीतर जाओ, अपने भीतर की खोज करो। और ये जो मूर्ति की जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, ये सभी संतों ने कहा है कि मूर्ति की पूजा जिसकी हम कर रहे हैं, मूर्ति तो हमने बनाई है,
लेकिन ये जो मूर्तियां हमारे आसपास चलती फिरती मूर्तियां हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे समाज के लोग हैं, ये मूर्तियां तो भगवान ने बनाई हैं और वो बनाकर इनमें स्वयं बैठा हुआ है। ये भगवान ही हैं सब हमारे आसपास चलते फिरते। हम इनसे प्रेम ना करके, इनकी सेवा ना करके, हम वो निर्जीव मूर्ति की सेवा कर रहे हैं। तो ये ग्रंथों में ये सभी संतों ने इस मूर्ति पूजा को मना किया, और जीवित गुरु की भी पूजा करने की जरूरत नहीं है। पूजा का मतलब है कि हमने साधना का मार्ग छोड़ दिया है, हमें साधना का मार्ग अपनाना है। पूजा एक अंदर से किसी के प्रति भाव होना, वो अलग बात है, लेकिन दिन रात उसकी पूजा में उलझे रहना और स्वयं साधना नहीं करना, वो सही मार्ग नहीं है। तो पूजा नहीं करनी है हमें। हम स्वयं भगवान है तो हम किसकी पूजा करें? एक भगवान दूसरे भगवान की क्या पूजा करेगा? हाँ, एक भगवान दूसरे भगवान का मित्र हो सकता है। तो पत्री जी ने यहाँ पर PSSM में गुरु शिष्य परंपरा को ही खत्म कर दिया कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं किसी का शिष्य नहीं हूँ, मैं सबका मित्र हूँ, मैंने अपने मित्र से ध्यान सीखा है और मैं सबका मित्र हूँ और मैं मित्रवत ही रहता हूँ। और हमें स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है, आंखें बंद करके जो कोई कह रहा है उसके पीछे चलना ऐसा नहीं है। अध्यात्म में हम ध्यान भी कर रहे हैं, हम सब मास्टर्स की बात सुनते हैं, लेकिन फिर साथ ही साथ अपनी अंतरात्मा की बात सुनते हैं कि हमारी आत्मा क्या कह रही है। कहीं हम अध्यात्म में आकर ही, वही जो हम पूजा पाठ के समय पट्टी बांधकर चल रहे हैं, कहीं हम अध्यात्म में आकर भी पट्टी बांधकर तो नहीं चल रहे कि ये सीनियर मास्टर है, इसको थर्ड आई है, तो ये जो बता रहा है वही सही है, और हमें अंदर से अगर कोई आवाज आती है हम उसके ऊपर अमल ना करके किसी के पीछे आंखें बंद करके चल पड़ते हैं, तो अध्यात्म में ऐसा करना वर्जित है। आप स्वयं अपनी खोज करो, एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनो, आंखें बंद करके किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। अपना मार्ग, हम दूसरों से मार्गदर्शन लेकर अपने मार्ग पर हमें स्वयं चलना है, क्योंकि ये हमारी आत्मा की यात्रा है। ये एक एक का व्यक्तिगत मार्ग है, ये कोई सामूहिक मार्ग नहीं है कि जहाँ सारी भीड़ जा रही है हम भी वहीं जाएंगे। हर एक आत्मा अपने सबक सीखने आई है, उसकी अपनी यात्रा है, वो अपनी यात्रा के कौन से पड़ाव पर है, हमें उस हिसाब से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर अपने मार्ग पर चलना है और दूसरों से मार्गदर्शन और प्रेरणा लेना है। इसलिए मूर्तियों की और जीवित गुरु की पूजा नहीं करनी है। ध्यान शक्ति से अपनी समस्याओं का समाधान करना है। हर समय किसी से पूछते रहे कि अब ये हो गया, अब कैसा होगा, अब इसका क्या समाधान है। समाधान हमें अपनी ध्यान शक्ति से करना है, क्योंकि हम जैसे जैसे ध्यान में गहरे उतरते हैं, हमारी अंदर की जो अति इंद्रिय शक्तियां हैं, जिसे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहा जाता है, वो छठी इंद्री जो है वो जागृत हो जाती है और हम अपने ही समस्या को हम और विस्तृत रूप से देख सकते हैं कि ये चीज जो हमारे जीवन में आई है, ये जो चुनौती आई है, हमें क्या सिखाने आई है, इससे हमें क्या सबक लेना है। तो ध्यान में हमारा दिव्य चक्षु जब उजागर होता है तो हमारे अंतर आत्मा की जो आवाज है हमें वो बताती है, हमारा मार्गदर्शन करती है कि हमें इस समस्या से कैसे बाहर आना है, और हमें उन चुनौतियों से सीखते हुए, उन परिस्थितियों से सीखते हुए आगे बढ़ना है और किसी पर निर्भर नहीं रहना है। हमें स्वयं स्वनिर्भर बनना है और अपनी ध्यान शक्ति से ही अपनी समस्याओं को दूर करना है। 16वां है, सामान्य पारिवारिक जीवन का आनंद लें, सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं है। परिवार में रहते हुए अपने सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सहज मार्ग पर, मध्य मार्ग पर चलें। घर परिवार को छोड़ के हम सन्यासी बन जाएंगे, सन्यास को छोड़कर हम पूरी तरह ग्रस्त में डूब जाएंगे, तो ये दोनों मार्ग सही नहीं है। मध्य मार्ग में चलें कि अपने पारिवारिक जीवन का भी आनंद लें और साथ साथ अपनी आत्मा की जो यात्रा है, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, उसको भी साथ साथ पूरा करते रहें, तो इसे मिडिल पाथ कहा जाता है। यानी संसार में रहते हुए संसार से परे की वास्तविकता को जानना और अटैचमेंट में रहते हुए नॉन अटैचमेंट को प्रैक्टिस करना। जो लोग हम कहते हैं कि अटैचमेंट छूट जाए, छूटता कुछ भी नहीं है, उसमें रहते हुए हमें मन से उससे दूर होना है।
और वो तभी होगा जब हम ध्यान करेंगे। ये कोई सैद्धांतिक बातें नहीं है कि हम इन्हें पुस्तकों में पढ़ के सीख जाएंगे। जैसे जैसे ध्यान करेंगे हमारा मन शांत होगा, हमारी आत्मा की ऊर्जा बढ़ेगी, तो हम इस संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठकर रहेंगे। जैसे कमल जो फूल है वो कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से ऊपर रहता है। और पिरामिड ध्यान केंद्रों की स्थापना करना, क्योंकि जब हम सामूहिक रूप से ध्यान करते हैं इकट्ठे होकर, तो कई गुना अधिक ऊर्जा बढ़ जाती है। और ये जुलाई 1993 में ये वाशिंगटन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और उसमें कुछ 4,000 लोगों को जो ध्यान करने के लिए इकट्ठा किया गया, और जब उन्होंने वहां एकत्रित होकर कुछ समय तक ध्यान किया, कुछ दिनों तक ध्यान किया, तो वहां जो आसपास के जो वातावरण था वो बदल गया, क्राइम्स कम हो गए, वॉयलेंस कम हो गया, और ये जो महर्षि महेश योगी हुए हैं उनके मार्गदर्शन में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो वहां पर जो वैज्ञानिक इस खोज को कर रहे थे, तो उन्हें कुछ इस बारे में पता नहीं चला कि इतना बदलाव जो हुआ है किस तरह से हुआ है। तो ऊर्जा बदलने से, उस क्षेत्र की ऊर्जा बदलने से ये इतना बदलाव हुआ है, तो उन्होंने उस इफेक्ट को नाम दे दिया महर्षि महेश योगी इफेक्ट। ये आपको सारी रिसर्च मिल जाएगी। तो ध्यान जब हम इकट्ठे होकर करते हैं, तो हम एक ऐसा वातावरण निर्मित करते हैं जो दूर दूर तक उसकी तरंगे जाती हैं और बदलाव लाती हैं। अपने ध्यान अनुभवों को प्रकाशित करना, जो भी हमें ध्यान में अनुभव होते हैं उन्हें हम लिखें और उन्हें मैगजीन्स में या बुक के माध्यम से प्रकाशित करें, क्योंकि ये धरती पर आकर हमने अनुभव लिए हैं, तो ये एक तरह का रेंट है हम धरती पर जो देकर जाएंगे। अगर ये जो आत्मज्ञानी, ये ब्रह्म ज्ञानी, ये जो इतने सिद्ध पुरुष संत हुए हैं, जैसे आज हम योगी कथा अमृत पढ़ते हैं, हिमालय के संतों के संग स्वामी रामा की किताबें पढ़ते हैं, और जो जो संत हुए हैं, जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, अगर वो अपने अनुभव नहीं लिखते तो आज हमें ज्ञान इतना सुगम नहीं मिलता। तो हमें भी अपने अनुभव लिखने चाहिए और उन्हें मैगजीन्स में या बुक के माध्यम से प्रकाशित करना चाहिए, ताकि जब हम इस संसार को छोड़कर जाएं, जाना तो सभी को है, तो वो आत्मज्ञान के हमारे अनुभव वो किसी दूसरे की प्रेरणा का स्रोत बने। और हर एक के अनुभव जरूरी है। हमें लगता है कि मेरे तो कोई खास अनुभव नहीं है, ये हमारी भूल है। हर एक की जीवन यात्रा के अनुभव, ध्यान के अनुभव, उसके रूपांतरण के अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने आप को छोटा या कम ना समझें, हमारे जो रूपांतरण हो रहा है वो भी हमारे अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। और हम एक जर्नल बनाएं और अपने अनुभवों को लिखें। और जो पत्री जी ने ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में ये हमें जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, ये हम अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को बहुत ही सुगम और सहज बना सकते हैं। और घर घर तक ध्यान पहुंचाने के लिए पत्री जी ने हर भाषा में जो पीएमसी चैनल्स बनाए हैं, लॉन्च किए हैं, कि हर भाषा में घर घर तक ध्यान पहुंचे। तो आज बहुत सारी जो हमारी विदेशी भाषाएं हैं और देसी भाषाएं हैं, उसमें ध्यान सिखाया जा रहा है। सभी मास्टर्स इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, और इस पीएमसी चैनल्स के माध्यम से घर बैठे हुए जगह जगह ध्यान पहुंच रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने जूम सेशन को ऑन करना है, और आप विश्व के किसी भी कोने में जो ध्यान हो रहा है उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। तो हम इस पीएमसी जो चैनल है उसके लिए हम सब्सक्राइब करें, दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि हम इस धरती को स्वर्ग बनाने में अपना योगदान दें, और हम इसमें अपना सेवा भी दें, अपना सहयोग भी दें, अपने रूपांतरण के जो हमारे अनुभव हैं वो रिकॉर्ड कराएं, धन से, तन से, मन से हम सहयोग करें, और जो पुस्तकें हैं, जो मैगजीन्स हैं, उन्हें सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ऑलरेडी कर ही रहे हो। तो हम जब ध्यान कर रहे हैं, आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं, तो हमें साथ ही साथ सेवा का मार्ग भी अपनाना है, क्योंकि ध्यान और ज्ञान का अंतिम जो फल है वो सेवा ही है। और जब हम सेवा करते हैं सही मायने में, तभी हम अध्यात्म की हमारी यात्रा जो है वो पूर्ण होती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सहज, सरल, सुंदर और सुखमय बनाएं, और धरती को स्वर्ग बनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। थैंक यू वेरी मच मैम। मेरा आवाज आ रही है आ प्रशांत? रही है जी, आ रही।
इतना बिजी शेड्यूल में भी जब भी बोलें मैम जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ में आपकी प्रेजेंस चाहिए, यस ही बोलेंगे आप। ये है इसलिए हम आपके भीतर हम सब एक मदर की प्यार देखते हैं मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरा वहां पर पंजाबी का सेशन चल रहा है, वो मैंने किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है आज। यस ये इसीलिए बोल रही हूँ मैम, आपके शेड्यूल पता है, फिर भी आगे पीछे एडजस्ट करवाएंगे डेट, लेकिन आपका प्रेजेंस यहाँ रखेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जितना भी थैंक यू, हो थैंक उतना यू जी, थैंक यू जी। कम। और यदि 18 प्रिंसिपल्स सुनना है तो आपका मुंह से ही सुनना है। तेलुगु में एक कहावत है मैम, यदि सुनना है तो भगवत गीता सुने, खाना है तो जो दाल वड़ा खाए, इस तरह की 18 प्रिंसिपल आपके मुंह से ऐसा लगेगा कि बस छिलका खोल के आपने खिलाया हो, केला खिलाया हो। तो इतना किसी ने मैसेज किया है पंजाबी के लिए तो दीप्ति मैडम लिंक शेयर कर देंगी, ओके है ना। और जिन लोगों को बहुत सारे हमारे विदेश से भी बहुत सारे हमारे पास रिक्वेस्ट आए कि JTTP बहुत लोगों ने अटेंड किया है, बहुत लोगों ने सेठ विजडम अटेंड किया है, तो उनका ये कहना था कि हमें उतने अच्छे से समझ कुछ चीजें नहीं आई हैं भाषा की वजह से, क्योंकि हिंदी हम अच्छे से समझ नहीं सकते हैं और ना ही हमें इंग्लिश उतने अच्छे से समझ में आती है। तो अगर हमारी भाषा में पंजाबी में अगर हमें कोई सेशन मिले तो हम ज्यादा ध्यान में गहरे उतर सकते हैं। तो वो फिर सर ने बोला कि आपका काम है, आप ही को ये करना है। तो फिर आज 19वां दिन है, हमने ये सेशन स्टार्ट किया और ये 40 डेज, 14 जुलाई को हमारा 40 डेज होगा। और फिर उसके बाद हम जैसे हिंदी में चल रहा है बुद्ध बनो, और वो 27 हिंदी में जो शुरू हो रहा है, तो उसी का हम पंजाबी में उसको लेकर आ रहे हैं मास्टर बनो करके, ताकि ओके जितने भी हमारे भाई बहन, चाहे वो इंडिया में रहते हैं चाहे वो बाहर विदेशों में रहते हैं, और जिनको ना तो हिंदी भाषा अच्छे से समझ में आती है ना उनको इंग्लिश समझ में आती है, जो मिडिल एज के लोग हैं, वो सभी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए मैं लिंक और जो भी फॉर्म होगा और फ्लायर होगा मैं दीप्ति मैडम के साथ शेयर कर दूंगी और आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो जो पत्री जी का संकल्प है, अब वो केवल पत्री जी का संकल्प नहीं है, वो हमारा संकल्प है कि हमने ध्यान से जो पाया है, जिस तरह हमारा जीवन बदला है, हम दूसरों का जीवन बदलने में सहयोगी बने। तो हम सबका ये जिम्मेदारी बनती है, जब हम ध्यानी बन गए, जब हमें ज्ञान मिल रहा है, मास्टर से हमें मैसेजेस मिल रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम इस ध्यान को, ज्ञान को, मास्टर्स की विजडम को घर घर तक पहुंचाएं। जैसे अब हम सेठ विजडम करते हैं, जैसे हम दूसरे मास्टर्स का, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उनकी विजडम को शेयर करते हैं, ऐसे ही हमारे गुरुओं ने हमें बहुत विजडम दिया है। तो मैंने बहुत सारे सेशन किए, विजडम ऑफ गुरु नानक, विजडम ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, तो उन्होंने, गुरुओं ने सिखाया क्या है हमें और हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो सब सेशंस हम पंजाबी में कर रहे हैं, तो जो भी लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं आपको लिंक मिल जाएगा और आप रजिस्ट्रेशन करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी ओर से कुछ ना कुछ सहयोग हर दिन देते रहें, चाहे एक ही व्यक्ति को आप ध्यान सिखाओ, चाहे फोन पे ध्यान सिखाओ, चाहे किसी को बुक पढ़ने की प्रेरणा दो, चाहे किसी से अपना एक्सपीरियंस शेयर करो और फोन पर उसका एक्सपीरियंस सुनो, ये सब बूंदे, जब छोटी छोटी बूंदे मिलकर ही घड़ा भरता है। तो ये संकल्प अब पत्री जी का केवल संकल्प नहीं है, ये हम सबका संकल्प है, ध्यान जगत की स्थापना करना, शाकाहार जगत की स्थापना करना, पिरामिड जगत की स्थापना करना और आध्यात्मिक विज्ञान को हर माध्यम से घर घर तक पहुंचाना। थैंक यू। थैंक यू मैम। फ्रेंड्स अभी जो भी सेशन और प्रोसेसेस होते हैं आपके ग्रुप में, यूट्यूब लिंक ऑलरेडी दिया जाते हैं, उसमें दोबारा आप देख सकते हो। जैसे पूछ रहे हैं ना 18 प्रिंसिपल प्लीज सेंड करके, तो ऑलरेडी आपके यूट्यूब लिंक है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, हम हर दिन बता रहे हैं, तो उसके अंदर ऑलरेडी ये वाला सेशन को आप दोबारा सुन सकते हैं और नोट डाउन करते रहिएगा जितना भी सुन रहे हैं। दीप्ति मैम, किसी ने PMC चैनल में डोनेशन करने के लिए पूछा है कि
तो जिसने भी मैसेज किया है, आप दीप्ति मैम से, नंबर दीप्ति मैम का है, आप दीप्ति मैम से कांटेक्ट कर लीजिएगा तो वो आपको गाइड कर देंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, राम नादेला की नंबर हर एक ग्रुप में है, राम नादेला की नंबर, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, मैसेज करें, तो पीएमसी हिंदी का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और पीएमसी सिंधी भी एक चैनल है, वो सब आप लोगों को बता दिया जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, शांति से, शांति से एक एक सेशन को करते रहिएगा। यहाँ पे हर एक दिन नया नया इन्फॉर्मेशन, पूरा जॉकपॉट लगेगा यहाँ पे, पूरा लॉटरी खुलेगा। तो भागदौड़ नहीं करनी, भागदौड़ नहीं करनी, यहाँ पे सभी लोग आपके मदद करने के लिए ही है। ये नहीं कि एक ही बार 10 नाव में, बोट में पैर रखेंगे, ना इधर भी ना उधर भी रहेंगे। तो शांति से सुनते हुए, एक के बाद एक शांति से करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी 7:11 हो चुके हैं, 7:30 बजे तक प्रश्न ले सकते हैं क्या मैम? यस यस। तो दोस्तों, इस सेशन का रिलेटेड प्रश्न करें, याद रखिएगा, ठीक है? कहाँ से? सबसे पहले वीडियो ऑन करके रखें, अपनी नाम के साथ साथ कहाँ से बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जितना भी हम आदत डालेंगे ना, ये हमेशा के लिए रहेगा। तो इसलिए हर दिन यहाँ पे इस मामले में भी ट्रेन किया जा रहा है। आप समझ गए होंगे मेरे बात को, कि यदि कल को पितामह भी आएंगे, कोई भी आएंगे, तो पूरा ट्रेंड JTTP का पार्टिसिपेंट सामने आ जाना चाहिए। आपकी माइक सही ढंग से रहे, स्पष्ट शब्दों से बोलें, प्रॉपर वीडियो के साथ, राइट? रेडी हो जाइएगा, फिर हैंड रेज कीजिएगा। और नया लोगों को ये मौका देंगे, जो जो रोज बात कर रहे हैं उनको छोड़ के दूसरे हैंड रेज करें। प्रशांत सर, आर यू देयर? यस सर, यस सर, प्लीज हेल्प। आशा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना प्रश्न रखिए। आशा जी अनम्यूट नहीं। हाँ हाँ, हो गया। वो चश्मे के बिना मुझे नजर नहीं आया, आई एम सॉरी। अच्छा, दीप्ति मैम, जसी मैम, प्रशांत सर, आप सबको कोटि कोटि वंदन। जितना भी दिल से धन्यवाद दूं, बहुत बहुत कम है। और राम सर को भी, जिन्होंने मुझे इस ग्रुप में डाला। आज एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ कि मैं, हालांकि सुबह ही उठ जाती हूँ, फिर भी मैं अराउंड 4:50 लॉग इन करती हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे ही जाना होता है, मुझे जूम पे नहीं आना होता। उसका रीजन ये है कि मेरी मदर इन लॉ है, विच इज शी इज 86 ईयर ओल्ड। तो मुझे जैसे ही मैं ध्यान से हटती हूँ, मैं ऊपर जाती हूँ, सेकंड माले से ऊपर जाती हूँ, और मुझे उनको नहलाने धुलाने का होता है। तो जब मैं जस्टी मैडम को सुन रही थी, मैं वो भी करती हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं गलत वीडियो मेरे से जूम में ऑन ना हो जाए और कुछ ऐसा नहीं हो जाए ऑनलाइन। तो इस चक्कर में मैं जाती ही यूट्यूब पे हूँ। पर आज जैसे ही मैंने 4:53 पे लिंक खोला, देखा, तो उधर कुछ मेरे को यूट्यूब का लिंक नहीं मिला JTTP ग्रुप में। मैंने कहा ऐसे कैसे आया, यूट्यूब का लिंक नहीं आया। तो मैंने कहा चलो जूम में जाते हैं, ये नहीं हो यूट्यूब में भी नहीं जाऊं और मेरा इधर का भी रह जाए, क्योंकि आज तो स्टार चेक पे काम करना है। जैसे ही मैंने उसको जूम लिंक पे क्लिक किया, मुझे पता चला आई वॉज द 1000 लास्ट वन टू लॉग इन। मैं एकदम मन से शिवर होने लगी कि मेरा ही वेट हो रहा था कि लास्ट में मैं जाऊँ और उसके बाद यूट्यूब आए। उससे ही मुझे लगा कि आज तो मेरा ये चक्र एक्टिवेट होके ही रहेगा। वैसे भी मेरा हर रोज ध्यान बहुत अच्छा हो रहा है, पर मैं अवॉइड करती हूँ कि जब तक मतलब कि कंक्रीट नहीं हूँ मैं नहीं बोलू, छोटी छोटी बातें नहीं बोलू। पर आज रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन ये, आपका ग्रुप का नंबर जान सकती हूँ? JTTP 13, अभी ज्वाइन किया मैंने। नहीं 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 नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में तो यूट्यूब लिंक नहीं मिले आज। 4:53 तक नहीं आया था, बिकॉज आई वॉज द लास्ट वन टू लिंक गो इन जूम। जब तक फुल नहीं होगा तब तक यूट्यूब नहीं आएगा। जो हमारे फ्रेंड्स है, टेक्निकल फ्रेंड्स, प्लीज नोट डाउन करें इस पॉइंट को, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, वो उनकी गलती नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्योंकि मेरे को जब तक 1000 पूरे नहीं होंगे उसके बाद ही यूट्यूब लिंक आता है। तो इट वॉज लाइक
जूम वॉज वेटिंग फॉर मी कि मैं जाऊं उसमें, और आज मुझे यूट्यूब पे नहीं जाने को मिलेगा, आज मुझे जूम में ही जाना है, ये नेचर की तरफ से था। ओके ओके एंड देन, और मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे आप लोग बहुत कहते हो बुक्स पढ़ो बुक्स पढ़ो, मैं जैसे ही बुक का पन्ना खोलती हूँ मुझे नींद आने लगती है या फिर मुझे वो समझ ही नहीं आती। पर यूट्यूब पे कोई बुक पढ़नी हो या फिर पढ़नी नहीं सॉरी सुननी ऑडियो हो तो मैं उसको बड़े मजे से सुन जाती हूँ। तो क्या आपको लगता है जरूरी है बुक ही पढ़नी है, हम यूट्यूब पे ऑडियो बुक नहीं सुन सकते? देखो अगर इन केस मान लो कि जैसे किसी को आईज का कुछ दिक्कत है वो पढ़ ही नहीं सकता है तो वो एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है, लेकिन जब आप बुक को हाथ में लेकर पढ़ते हो तो आप वो जो ऑथर है ना उसकी एनर्जी से कनेक्ट होते हो जो कि वो यूट्यूब से नहीं उतना हो पाता। तो आप सिर्फ वही नहीं पढ़ते हो जो लिखा हुआ है, आप जब कनेक्ट होते हो आप वो भी विजडम ले सकते हो जो हम जितना भी बताएं अध्यात्म में जितना भी बताया जाए, सभी लिखने वाले जो भी बताने वाले यही कहते हैं कि जो हमने जाना है उसे शब्दों में नहीं उतारा जा सकता, ये हमारी मजबूरी है कि हमें शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन जो अनुभव है उसे शब्दों में उतारा ही नहीं जा सकता। तो जब आप पुस्तक पढ़ के पकड़ के ध्यान करके उसको हाथ में लेते हो तो वो जो शब्दों में नहीं उतारा गया है आप वो ग्रहण करते। सही बात। और मैं इतनी भाव विभोर हो गई थी कि सॉरी मैं अपना नाम बताना भूल गई और मैं कहाँ से हूँ, मैं आशा मधुक बोल रही हूँ और मुंबई में हूँ, पर मैं न्यूयॉर्क न्यूजर्सी में भी रहती हूँ और वहाँ पे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओम कुंबा हैप्पी फैमिली चलाती हूँ, पर उसको मैं सक्सेसफुली नहीं कर पाती क्योंकि मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवल करती हूँ न्यूजर्सी एंड न्यूयॉर्क एंड बॉम्बे में, तो उस चक्कर में मैं अभी कुछ शुरू ही करती हूँ कि फिर मेरे को इधर आना पड़ता है, यहाँ शुरू करती हूँ तो वहां। पर अब जो अब मैंने ये ध्यान सीख लिया, ये मुझे लगता है एक ध्यान भी है और एक ऑनलाइन है, तो मैं कहीं भी वर्ल्ड में हूँ मैं कर सकती हूँ, तो ऐसे लगता है मेरा गोल मुझे मिल गया है कि मुझे क्या करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अमिता जी अपना प्रश्न। जी नमस्कार मैम, नमस्कार दीप्ति मैम, नमस्कार जसविंदर मैम, आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल था। 18 जो आपने कॉन्सेप्ट्स बनाए बताए बहुत ही सरल तरीके से बताया, इसके लिए धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है कि जहाँ पे आपने बताया कि हम मानसिक तौर पे इमीडिएटली कोई इमीडिएट पेन रिलीफ नहीं के लिए हमें मेडिसिन पे निर्भर नहीं होना चाहिए, मैम मेरा ये मैं एक कैंसर रिकवरी पेशेंट हूँ, मैं पेशेंट तो नहीं हूँ मैं रिकवर हो गई हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि मैं रिकवर हो गई हूँ। 2020 में मेरी सर्जरी हुई थी जिसके बाद मुझे डॉक्टर ने बोला था कि 3 महीने के बाद से आपको रिव्यू करना चाहिए हर 3 महीने, पर जैसे कोरोना आया तो कोरोना के चक्कर में डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से ही बोला कि मैम अगर आपको कुछ फील नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस फील नहीं हो रहे हैं, कोई दर्द नहीं हो रहा है तो फिर आप अवॉइड करें डॉक्टर से मिलना। फिर धीरे धीरे लेटली इट वाज अराउंड 20 दिसंबर 2020 में उन्होंने बोला कि मैम आप आके एक बार दिखा जाओ, पर तब तक मैं नहीं सोचती थी कि जाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर तो मना कर रहे हैं। अब मुझे अपनी तरफ से लग रहा है यार जाना मतलब वहां पे मुझे फिर से वही भाग दौड़ और मुझे डॉक्टर्स के पास नहीं जाना, ये मेरे ध्यान में आने से पहले ही मेरी ये एक सोच रहा। फिर अब जब मैं ध्यान में आ गई हूँ, अभी मैं 2-3 हफ्ते से मैं ये सुन रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने कहा रिव्यू नहीं छोड़ना, तुम्हें रिव्यू कराना चाहिए, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि रिव्यू के लिए तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, तो वो मैं कैसे मतलब जाना है नहीं जाना है वो कैसे मैं डिसाइड करूं? देखो ये तो आपको खुद ही डिसाइड करना है, जब आप देखो इतना उसमें से आप बाहर आए हो, अब आपको ध्यान मिल गया है, हम ये नहीं कह रहे कि जो आपका प्रोसेस चल रहा है उसको छोड़ दो एकदम से और ध्यान में आ जाओ, दवाइयां छोड़ दो, नहीं, आपको धीरे धीरे आपके अंदर से पता चलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि रिव्यू कराने से आपको देखकर हैरानी होगी कि कितनी हीलिंग हो गई है, टेक इट पॉजिटिवली, यस है ना।
ध्यान बढ़ाइए अपना। और जब मैं ध्यान में आई थी तो मुझे 1 महीना हुआ था और मैं फुल मून मेडिटेशन करने गई थी और मुझे घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मैं चल फिर नहीं सकती थी और मैं 8 साल से दवाइयां खा रही थी और कोई डॉक्टर ने कहा रिप्लेस कराने पड़ेंगे, कोई ट्रीटमेंट और नहीं है, अभी ऐसे ही चलो। तो वहां पर एक लड़के ने, आंध्रा के मास्टर ने एक्सपीरियंस शेयर किया कि ध्यान करने से 40 दिन में उसका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि ये ठीक हो सकता है तो मैं कैसे नहीं ठीक हो सकती हूँ। लेकिन मैं ध्यान में आने के बाद 6 महीने तक जो दवाइयां ले रही थी लेती रही, ध्यान भी बढ़ाती गई, दवाइयां भी चल रही थी, लेकिन 6 महीने बाद अचानक ऐसा होने लगा कि मुझे लगा मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। तो मैंने थोड़ा 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 छोड़ के देखा तो मेरी बॉडी ज्यादा अच्छे से काम कर रही है। तो फिर तब से लेके अभी तक मैंने कोई दवाई नहीं ली है। जो भी होता है ध्यान से ठीक करते, जब तक हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ना आ जाए, जब तक वो ट्रस्ट ना आ जाए हमारे अंदर, तो हमें किसी के भी वही कहने से एकदम से दवाइयां छोड़ दी और ये सब कर दिया करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पर भरोसा रखो, अपने ध्यान पे भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। एक छोटा सा अनुभव है, आपने बोला कि अपने आप में भरोसा रखो, तो जस्ट बिफोर ज्वाइनिंग JTTP जो भी YouTube में ध्यान होते हैं कराते हैं, थोड़ा बहुत मैंने उसमें से किया था, एक हितेश वशिष्ठ सर का मेडिटेट विथ योर हायर कॉन्शियसनेस का मैंने सेशन, मैंने एक बार मैंने किया उसमें, तो उसमें मुझे जब हायर कॉन्शियसनेस को आप फील करते हो तो उन्होंने बोला कि आप उनसे क्या मैसेज लेना चाहते हो, आप पूछ सकते हो, आप ले सकते हो, यू कैन फील इट। तो मुझे एक ही मैसेज आया था उसमें कि फेथ, फेथ आया था मुझे। तो अब मुझे वो, मैं वो रिलेट कर पा रही हूँ कि फेथ होना है मुझे, ध्यान में फेथ रखना है। और हाँ, रिव्यू भी नाउ आई एम क्लियर कि रिव्यू के लिए तो जाना ही है, जब तक डॉक्टर बोलते हैं रिव्यू कराना है तो वो मैं कराऊंगी, अभी तक नहीं कराया था। बट हाँ, फेथ मुझे ध्यान पे जरूर रखना है, फेथ अपने आप पे रखना है, अपनी सांसों पे रखना है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। फ्रेंड्स आप ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। संतोष आहूजा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को मैडम। सर नमस्कार जी, दीप्ति मैम नमस्ते जी, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी बात करने का मौका मिला है। सर मैं यूट्यूब के थ्रू जुड़ी थी, मैं सहारनपुर यूपी से हूँ सर, और सबसे पहले मैंने फोन भी आपको किया था। तो सर मैं जब यूट्यूब पे सुन रही थी तो मुझे तो पता नहीं था ये क्या है, पर ध्यान की खोज मेरी बहुत पुरानी थी, लगभग 40 साल से। तो जब मैंने यूट्यूब पे आना पाना शक्ति ध्यान दीप्ति नडेला मैम सिखा रहे थे तो उसको मैंने सुना, तो बेड पे लेटे लेटे सुन रही थी, रात को 10 बजे का टाइम था, तो मेरे एकदम से सर्कल बन गया, मुझे लगा मैं हाथ पकड़ के चल बैठ रही हूँ कहीं, इतना ही हुआ और मुझे बस इतना आभास हुआ। तो मुझे लगा कि मुझे इसकी खोज करनी है, फिर मैंने जाकर गूगल पर जाकर के नंबर सर्च करना शुरू किया, PMC रिलीजियस टीचर, तो मुझे वसंता मैम का नंबर मिला, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग का मेडिटेशन का वीडियो भेजा और वो सुना और इसी तरीके से मैं जुड़ गई। फिर मैं PMC मुंबई से जुड़ी, फिर JTTP का मुझे लिंक मैंने बस आप लोगों से ही लिया और जुड़ी, और बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है मेरा जो लाइफ का एक गोल था मुझे मिल गया कि मुझे ध्यान कहाँ सीखना था, तो आज मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। और मैं आज अपना एक क्वेश्चन मेरा ये है, मैं सहारनपुर से हूँ और जब सतीश अग्रवाल जी ने सेशन में क्लास ली थी तो मैंने उनको भी मैसेज किया था कि मुझे नहीं पता, मेरे इतने करीब एक हीरा छिपा हुआ है तो मैं देहरादून आकर के ध्यान करना चाहती हूँ। तो उन्होंने July 1st में मुझे इनवाइट किया है तो मैं वहां ध्यान करने जाऊंगी। लेकिन आज मैं दीप्ति मैम से पूछना चाहती हूँ कि जब वो संकल्प करा रहे थे तो संकल्प कराते समय आज हर संकल्प में मेरा एक शब्द हिल जाता था, तो वो मैं संकल्प तो लेती थी लेकिन एंड में मैं बोलती थी कि जो मेरे मास्टर मुझे करा रहे हैं
उसको मैं स्वीकार करती हूँ। और तो क्या मेरा आज का ये पूरा हुआ या नहीं, मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही थी, और इसको मैं दोबारा कर सकती हूँ संकल्प वाले पोर्शन। मैम एक चीज है, यहाँ विश्वास की बात है, कोई डाउट नहीं है, डाउट नहीं करना हुआ या नहीं हुआ फिर एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक तो है मैम, हम ब्रह्मास्मि स्थिति में होके जब विश्वास करते हैं तो पूरा प्रोसेस अपने आप होती है। तो ये पूरा विश्वास कीजिएगा, जब ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, आपके भीतर इतना श्रद्धा है तो वो हो जाती है, लेकिन उसको स्थिर करना होता है, और बुक्स पढ़ते हुए ज्ञान को पाते हुए उसको स्थिर करना होता है। तो और मेरा ये कहना है, जब तक JTTP जिस जिस पर्पस के लिए आप लोग जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ में आ चुके हैं, आप लोग देख रहे होंगे एक एक दिन एक एक सुंदर सा यात्रा, हर एक दिन ज्ञान की भंडार लेकर हमारे पास आ रहे हैं। अरे एक महोन्नत, एक मतलब उनके अनुभव ज्ञान इतना कुछ है, जैसा आज जैसी मैम को ले लीजिएगा, पहले का भी मास्टर्स को ले लीजिएगा, और आने वाला मास्टर्स भी ऐसे रहेंगे। तो हर एक महोन्नत आत्मा अपने ज्ञान को लाके इतने सालों के सार जो है हम लोगों को गिफ्ट में दे रहे हैं, तो इसको पूर्ण करें। जिस पर्पस के लिए JTTP में आए सबसे पहले इसको पूर्ण करें, और उसके बाद ही कहीं पर इधर उधर जाना है तब भी, अदरवाइज फिर क्या होगा, आधा में हम इधर भागेंगे आधा में। ये भागने की आदत हमें शुरू से ही रहा हमारा जीवन में, अब उसको बंद करें, एक जगह स्टेबल रह के उसको सीखें, फिर उसके बाद क्या करना है वो आपको रास्ता खुद दिखाएंगे मास्टर। जब जब हम जो लेने के लिए तैयार रहते हैं, ब्रह्मांड हमारे लिए दरवाजा खोलती है, तब फिर दोबारा क्या करना है JTTP के बाद फिर डिसाइड करना। अभी भागदौड़ ना करें कोई भी, मेरा तो एडवाइस ये है। हम सिर्फ बता सकते हैं, करने वाला आप ही हो, आपके जीवन की मालिक आप ही हो। यदि आप डेहराडून भी जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, JTTP के साथ जुड़े रहना है। जी मैम, मैं बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ कि मुझे तो एक नया जीवन मिला है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नया जीवन मिला है। मैं सुबह 4 बजने का इंतजार करती हूँ, उठती हूँ, नहाती हूँ, फटाफट ज्वाइन करती हूँ ग्रुप को, और बहुत प्यार से, और मैंने कैप भी मंगाया मैम, कैप भी पहन के बैठती हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कोई है तो लीजिए। प्रश्न ले लेंगे तो मैडम, प्रशांत सर रिक्वेस्ट है, कम शब्दों में प्रश्न बोलने के लिए बोल दीजिएगा इस वक्त, अपनी प्रश्न को सामने रखें, शॉर्ट में अपना प्रश्न रखिए। नमस्ते मैम, वेट जर्नी थी मैम, मुझे आज ही बताना था कि जब प्रोसेस चल रहा था तो लास्ट के जो 5 मिनट बचे थे तो दीप्ति मैम ने बोला था कि विश्व समूह के बारे में कुछ बोला था, तो उस टाइम एक भीड़ सी दिखाई दी मुझे, और जो अभी जसविंदर मैम ने डिस्प्ले किया था बुक्स का पूरा, वो तो जो फर्स्ट जो डिस्प्ले था ना वो सेम वैसा का वैसा पूरा मुझे दिखाई दिया बुक का, तो इससे रिलेटेड मतलब बुक का तो मैम ने बाद में बताया मार्गदर्शक के बारे में, और ये मुझे उस टाइम प्रोसेस के टाइम ही दिखाई दिया है। वाओ, तो इसका क्या मिलेगी? मैं मतलब कोई ज्यादा हूँ नहीं हूँ इसमें, और मैंने 3-4 महीने से यूट्यूब से सुनते ही ज्वाइन किया है आपका, PMC गुजरात का सुनती हूँ, और मैंने एक महीना पहले 41 डेज पर 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को मेडिटेशन किया था। Yes. तो उसमें भी मैम मेरे को मतलब मेडिटेशन करते टाइम ना एकदम से करते करते ध्यान में वो पहले तो जैसे अंधकार से प्रकाश की ओर कोई बोल रहा है ना ऐसे क्लिक सा हुआ, फिर थोड़े दिनों बाद में हुआ लव यू इनर ब्यूटी, तो इसका मीनिंग में समझ नहीं पाई क्या है, तो ये थोड़ा सा मुझे जानना था। जैसी मैम देखो, पहले तो हमें जो भी दिखा है एंजॉय करो, उसे एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। आप इतना भाग्यशाली हैं कि जो मैं बताने जा रही थी आपको पहले ही दिख गया, और क्या चाहिए आपको। हाँ, तो वो जो फर्स्ट वाली बुक थी ना कलरफुल, वो तो बड़ी क्लियर दिखाई देती मुझे। तो अपनी इंट्यूशन पावर को और ध्यान करके डेवलप कीजिए। जय
जैसे जैसे ध्यान करेंगे आपका इंट्यूशन बढ़ता जाएगा, आप उसको डेवलप कीजिए। और जब ध्यान में हमें एक्सपीरियंस होते हैं तो हमें उनको एंजॉय करना है। ऐसा क्यों हुआ, क्यों दिखा, क्यों का कोई नहीं है, क्यों नहीं दिखना चाहिए, दिखना चाहिए ना। सो ऐसा क्यों का कोई इसमें प्रश्न नहीं है, क्यों नहीं, यू आर ए गॉड, आपको पता, आपको धीरे धीरे सब परतें खुलेंगी और सब कुछ दिखाई देगा। सो एंजॉय योर जर्नी। और मैम ये जो 41 डेज वाला किया था तो उसमें अंधकार से प्रकाश थी और एक लव यू जल्दी थी, इसका क्या मीनिंग होगा आपको क्या लगता है? चलो आप ही बताओ कि अंधकार से प्रकाश की और क्या मीनिंग है। पहले मैम ऑनेस्टली मेरा बताऊं मैम? यस। जब वो अंधकार से प्रकाश की ओर मुझे क्लिक हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे इस बारे में कुछ लिखना चाहिए या ये बुक भी है ये मुझे पता नहीं था। फिर मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा ये बुक भी अवेलेबल है। फिर मैंने नेट पे सर्च किया तो स्वामी विवेकानंद की मुझे मिली नहीं थी। फिर थोड़े दिन बाद में लव यू एनर्जी की दिखाई दिया तो फिर मैंने भी उसका बुक मतलब सर्च किया तो वो इंग्लिश में ही थी बुक, मैंने देखी थी। अब ये बुक पढ़नी है या लव यू एनर्जी की जो आत्मा की मतलब ब्यूटी होती है उनको प्यार करना है क्या, ऐसा मैं समझ पाई। देखो ये अब भी क्या है, हम ध्यान करके अंधकार से प्रकाश की ओर ही तो जा रहे हैं। जी मैम। हाँ, हम अंधकार में जीवन से निकलकर प्रकाश में जीवन की ओर तो जा रहे हैं। और ऐसी बुक्स भी हैं, आप बुक्स भी पढ़िए और अपनी ध्यान की यात्रा भी जारी रखिए। और अभी किसी ने मैसेज किया है कि पीरियड्स में ध्यान कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें और ज्यादा ध्यान लगता है, कोई तकलीफ नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। और ये अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो नारी तू नारायणी करके एक रात को प्रोग्राम चल रहा है, ऑलरेडी कोलकाता की टीम चला रही है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मास्टर्स इसी सब्जेक्ट के ऊपर में उन्होंने बात की है। और यूट्यूब पे आपको वो सारे जो रिकॉर्डिंग्स है मिल जाएंगी, तो आप उसको सुनकर और इसे अच्छे से समझ सकते। थैंक यू जी। स्वाति जी शॉर्ट को अपना प्रश्न रखिए। मैम अनम्यूट कीजिए अपना आपको। हाँ सर, नमस्ते। आवाज आ रही है सर? आ रही है। हाँ नमस्ते, मैं स्वाति मुंबई विरार से हूँ। मुझे दीप्ति मैडम और जो मैडम जसविंदर उनका तो बहुत म्यूट हो गए आप। अब आ रही है। अच्छा। हाँ मैडम, तो मुझे ये बोलना थी, मैं मेरी एक कतार में फ्रेंड थी ना, उसके वजह से मैं यहाँ जुड़ी, क्योंकि मुझे इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। इतने सालों से मैं एक रेकी हीलर हूँ और मुझे जो बोलते हैं ना ये सब चक्रास एक्टिव, तो ये मैं सब जैसे डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होना, भगवान से बात करना, ये सब होते रहते, मगर हाथ में माला कुछ यही नहीं होती थी। मतलब माला लेती हूँ तो कुछ वो बात कर रहे मुझे तो मैं क्या माला करूँ। और फिर ऐसे लगा था एज ऑफ 53 इयर्स में अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि घर वाले परेशान होते थे कि तुम पूजा पाठ में ही लगे रहे थे, कुछ करती नहीं, हमारे ऊपर ध्यान नहीं है, वो सब इसके लिए सबसे मैं कट ऑफ हो गई थी। तो मैं तो परेशान हो गई, अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता है। मगर जब से जेपीटी आई हूँ और ये आज का जो 7 चक्र है, तो मुझे बार बार ऐसे लगता था मैं किससे दीप्ति मैडम से मैं पर्सनली बात करूँ, क्या करूँ, मैं मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था। मगर आज जो सहस्रार चक्रा का जो मेडिटेशन हुआ और मैडम ने जो मेरे डाउट थे वो मेरे पूरे क्लियर कर दिए, कि जैसे बोलते ना कमल की तरह ये सब रहना है, क्योंकि कीचड़ में रखे भी हमको ऐसे अपने से खिलना है। और फिर हम लोग संसारी लोग हैं तो सब एक करके ध्यान में ही मगन रहो। और इसमें से ये बात ऐसी हुई कि मेरा आज पूजा पाठ ये मतलब बूथ से मतलब जो पहला सेशन हुआ वो और ये दो सेशन मैं डेली अटेंड कर रही हूँ। और अभी मेरा ना बहुत सारा जो बोलते ना पूजा पाठ में मेरा ध्यान ज्यादा लगता था वो मेरा कम हो गया। और फिर मैं पूजा पाठ ऐसे नहीं मतलब भगवान की तरफ मेरा उतने ये है, मगर अभी ये ध्यान में जो लगता है ना तो ये कुछ मुझे लगता है अभी तो कुछ बचा ही नहीं है, जो है तो मुझे मिल गया, जिसकी मुझे ऐसे लगा नहीं था मैं कभी पाऊंगी। थैंक यू वेरी मच, यही मुझे बोलना था। और मैं सही हूँ ना मैडम जो मेरे अभी। थैंक यू जी, थैंक यू। आपको आपका अनुभव ही बता रहा है आप कहाँ खड़े हो। तो वही बात है, अपने पे ट्रस्ट करना है,
जब आपको अपना आपके मन की शांति, आपका जो शरीर है आपको वही बता रहा है कि कैसा वो महसूस कर रहा है, तो फिर डाउट क्यों? ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा करना है, यही अध्यात्म में सबसे ज्यादा जरूरी है। हम दूसरों पर तो बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, हमें अपने आप पे भरोसा नहीं होता। अध्यात्म में जब तक अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे हमारी नींव मजबूत नहीं होगी, अपने आप पे भरोसा करना है। और किसी ने अभी मैसेज किया है कि जो मैंने बात की है विजडम ऑफ गुरु नानक और वो सब यूट्यूब पे सारे अवेलेबल हैं सेशंस, तो आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। मैम एक हाथ प्रश्न और ले सकते हो? हाँ जी। और ना आपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप अपना जो प्रश्न है कोई उसके बारे में बात कीजिए, ताकि उससे दूसरों को भी, तो जिसका प्रश्न है वही प्रश्न कीजिए आप। एक्सपीरियंस शेयरिंग तो होता ही रहता है, पर प्रश्न कोई है तो वो बताइए। जिन जिन का एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए हैंड रेज किया वो हैंड डाउन करें, लोअर हैंड करें, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न को रखें। फ्रेंड्स अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी मौका दीजिए, उनको भी चांस दीजिए, काफी लोगों को अपने प्रश्न रहते हैं। और जिनका प्रश्न है वही हैंड रेज करें, दो लोगों का लिया जाएगा, और रिमेनिंग जो प्रश्न है ग्रुप में डाल दीजिएगा। रचना जी और रितिका जी का ले लीजिएगा सर। रचना जी। थैंक यू प्रशांत सर टू अलाउ मी। हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू पत्ती जी एंड जस्सी मैम एंड दीप्ति मैम। मैम माय वन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आपका जो मेडिसिन से रिलेटेड है कि डिपेंडेंसी ऑफ मेडिसिन। मैं उसे फील कर रही हूँ कि मेरी मेडिसिन काफ़ी कम हो गई है पिछले 2 महीने में। मैम मेरा क्वेश्चन सिर्फ आज कोरोना की वैक्सीनेशन के ऊपर है, अभी तक मैंने नहीं लगवाई है। पत्री जी का उस पर क्या व्यूज है मैम? आप यूट्यूब पे पत्री जी ने उसके बारे में बताया है, देयर इज नो पैनेडेमिक। पत्री सर ने ये बताया है कि हमने भगवत गीता के ज्ञान का वैक्सीनेशन लिया है। Okay. तो आप उसमें जाएंगे तो उसमें सर ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है। मैम पीएमसी हिंदी पर है वो? पीएमसी इंग्लिश पर। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मतलब मैं बहुत बहुत बड़े डाउट में। उसमें श्रेयस डागा जी के साथ जो एनलाइटनमेंट आवर होता है ना, उसमें ये पैनाडेमिक और ये इसके ऊपर में सारी बात हुई है। वो वहां से आप वो देखिए एनलाइटनमेंट आवर जो होता है ट्यूजडे को, उसमें ये सभी आंसर्स दिए हैं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। लास्ट रितिका का ले लीजिएगा सर। रितिका जी प्रश्न रखे मैडम। हेलो। हाँ जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम मैं रितिका बोल रही हूँ डलहौजी से, हिमाचल से। एक्चुअली मैम रात को मेरे साथ आज एक एक्सपीरियंस हुआ कि आज मैं रात को सो रही थी तो मुझे सपने में ऐसे आया कि जैसे कोई मुझे जैसे मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और कोई मुझे गाइड कर रहा है कि हम ना आपको नॉलेज देंगे, पर उससे पहले आपको अपने जो पास्ट लाइफ है ना उसको आपको देखना पड़ेगा। तो मतलब उस टाइम पे इतनी इंटेंस एनर्जी थी मेरे आसपास और वो इतनी ज्यादा फील हो रही थी कि मैं उसे मतलब सहन नहीं हो रही थी। तो मैं उन्हें बोल रही थी कि आप प्लीज मुझे वापस भेज दो, प्लीज वापस भेज दो। पर फिर भी मुझे मतलब ऐसे फेसेस दिख रहे थे, 6-7 फेसेस दिख रहे थे मुझे। पर फिर एकदम से मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मुझे नीचे ड्रॉप कर दिया बॉडी में, और उसके बाद मेरी जैसे आईज खुल गई और उसके बाद इतना हैवी पेन हो रहा है, हेडेक। ये 1:30 के बाद 1:30 की बात है रात को, अभी तक बहुत हैवी पेन हो रहा है हेड में और बहुत मतलब वो रेस्टलेसनेस लग रही है। आपने प्रोसेस बीच में रोक दिया ना, तो वो कोई आपका कोई वो लाइफ देखना जरूरी होगा जिसका आपके इस लाइफ के ऊपर असर पड़ रहा है। सो इसलिए मास्टर्स आपको। हाँ मैम, पर वो हेडेक जा ही नहीं रहा, सुबह भी मेडिटेशन के टाइम वो चला गया था, बट अभी वो फिर इस एरिया में बहुत ज्यादा है। हाँ तो वो एनर्जी की वजह से कई बार होता है, और अभी आप पानी ज्यादा पीजिए और उसमें थोड़ा अपने नंगे पांव घर पे चलिए। अगर ऐसा प्रोसेस, ऐसा कोई आपके पास कच्ची जगह है, गार्डन वगैरह कुछ है, तो वहां पर नंगे पांव चलिए। और कभी भी ऐसा हो तो डरना नहीं है, प्रोसेस को बीच में रोकना नहीं है। अब हम डॉक्टर के पास जाएं और वो हमारी सर्जरी शुरू कर दे
और हम उससे आधे के बीच में कहें कि ये सब बंद कर दो, मुझे नहीं कराना, तो क्या होगा मैम? पर वो इतनी इंटेंस था और मुझे लगा कि शायद ड्रीम होगा, क्योंकि ऐसे लगता है ना, क्योंकि मुझे लगा मेडिटेशन शायद, तो फिर इट्स ओके, इट्स ओके। ये हमारे जो अननोन फियर्स होते हैं तो ये चीजें होती हैं, और जब उस चीज का समय आएगा तो वो हील हो ही जाएगी। सो ये आपको एक्सपीरियंस मिला है, तो जो भी ध्यान में होता है ना उसको रोकना नहीं है, ठीक है मैम? एक्सेप्ट इट एंड गो है, पानी पीजिए और एंजॉय कीजिए, अपना घबराने की डरने की कोई बात नहीं है। नॉर्मली भी तो हेडेक हो ही जाता है घर में, जरूरी नहीं है कि ध्यान में, नॉर्मली भी तो होता ही है हेडेक, सो इट्स ओके, एंजॉय योर हेडेक। आगे भी मुझे मतलब ऐसे थोड़ा ऐसे आते हैं मेडिटेशन के, ऐसे सपने आते, तो कभी ऐसे लगता है कि कोई मेरे साथ अभी बात करके उठा है, या कोई मेरे साथ अभी मेरे को कोई हंसा के उठा है, ऐसे कभी कभी ऐसे फील होता है। तो बस एंजॉय कीजिए, आप एंजॉय कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है, बस डरना नहीं है, जो भी हो रहा है उससे एंजॉय कीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच मैम। रितिका बाबू कहाँ से बोल रहे हो आप? डलहौजी। डलहौजी, रितिका को एक बार अनम्यूट करेंगे सर? डलहौजी मैंने जाना था लेकिन ये बीच में लॉकडाउन लग गया। मैम मोस्ट वेलकम, आप हमारे घर में आना जरूर। रितिका आपके एडमिन कौन है आप जानते हो बेटा? व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन मैम शायद प्रभावती मैम है। ठीक है, प्रभावती मैम आज आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है क्या मैम? तो ऐसा कोई भी किसी का भी अनुभव हो तो अपने एडमिन से कांटेक्ट करें, फ्रेंड्स बात कर सकते हैं, पहले मैसेज करके उनको अलर्ट करके बात करें, तो प्रभावती मैम ऑलरेडी सुन रहे हैं तो वो आपको कॉल करेंगे बाबू, ठीक है? और कभी भी मौका देख के आप मेडिटेशन में बैठो और उस एक्सपीरियंस के साथ दोबारा कनेक्ट हो सकते हो, पूरा आपको गाइड किया जाएगा, डरना नहीं, मुस्कुराते हुए ठीक है आगे बढ़ना। थैंक यू वेरी मच। जैसी मैडम नहीं जैसी माँ, हमारे लिए तो माँ बन चुके हैं आप। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा मस्ती करते हुए, और जो जो पॉइंट्स हमारे महान आत्मज्ञानी बताते जा रहे हैं उनको नोट डाउन करके रखें, और दिन में समय निकाल के आनापाना सती ध्यान करते रहिएगा, और ये वीडियोस को दोबारा सुन सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। इतना बोलते हैं, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी पंजाबी वाला भी, तो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। राइट मैम, ठीक है जी। एंड अभी कल पूर्णिमा है, आज भी कल भी और तीन दिन पूर्णिमा का आनंद लीजिए। हाँ। और पूर्णिमा ध्यान ज्यादा से ज्यादा कीजिए। सो सभी इंफॉर्मेशन आपको तो दीप्ति मैम ग्रुप में डाल देंगी, पति जी के साथ भी 3 घंटे कल ध्यान होगा रात को, सो वो सभी आपको मिलेगा, उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। थैंक यू हमेशा क्या होता है मैम, पूर्णिमा का ध्यान जो पितामह 3 घंटे की करवाते हैं तो वो यहाँ जूम के साथ कनेक्ट भी करवाते हैं, तो यहाँ पे भी कहीं लोग जुड़ के पूरा ग्रुप मेडिटेशन करते हैं। पूर्णिमा का ध्यान हर महीने पूर्णिमा का दिन 9 से 12 बजे तक होती है दोस्तों, तो 9 बजे जुड़ने के बाद जो जो 3 घंटे कंटिन्यूअसली कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। 3 घंटे समझ के कहीं लोग डर के मारे ज्वाइन ही नहीं करते, ऐसा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, जितनी देर करने उतनी देर कर सकते हैं। 3 घंटे पता भी नहीं चलेंगे, पता भी नहीं चलेगा, इतना सुंदर सा म्यूजिक होगा। बाबू प्लीज वॉल्यूम कम करो, तो इतना सुंदर म्यूजिक के साथ पता भी नहीं चलेगा आपको, जुड़ के तो देखिएगा। एवरी JTTP में पूर्णिमा ध्यान होती है तो हम सब मस्ती के साथ एंजॉय करते हैं, तो 24 कल रात को 9 से 12 बजे हम सब जुड़ के फिर पूर्णिमा ध्यान करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, पूरा डिटेल्स आप सभी को ग्रुप्स में डाला जाएगा, जो भी प्रश्न है एक्सपीरियंस है ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू, इतना बताते हुए यहाँ पे इस सेशन को कंक्लूड करेंगे, कल सुबह फिर 4:30 बजे मिलेंगे 5 बजे सेशन के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल रॉकिंग मास्टर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू, लव यू मैम, दोनों मैम को लव यू। थैंक यू जी, थैंक यू। देखा आज मैडम की पिंक ड्रेस, बैकग्राउंड में पूरा पिंक, डिवाइन लव को लेकर आया मैम आज। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके प्रशांत सर, कोटी कोटी प्रणाम और धन्यवाद दीप्ति मैम और जसविंदर मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू।